ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम डे वीडियो। तो गाइस यार, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में मैं अपने कासल से बहुत ज्यादा दूर गया था एक एडवेंचर पे, और उस एडवेंचर का मेन टारगेट ये था कि मुझे एक वुडलैंड मेंशन ढूंढना है और उसको दोबारा से एक्सप्लोर करना है। अब मैंने वो कर भी दिया, और आप लोग को पता होगा कि लास्ट टाइम मुझे उस वुडलैंड मेंशन को पूरा जलाने के बाद, मतलब मैंने उसे जला दिया था पूरा, वो लकड़ी का होता है और उसके अंदर एक हल्की सी चिंगारी दे दो और पूरा का पूरा मेंशन इतना बड़ा पूरा जल जाता है। फिलहाल सबसे अच्छी बात तो यह है कि उस मेंशन के अंदर से गाइस मुझे काफी सारे एमरल्ड्स मिले उन बंदों को मारने के बाद, और उस एडवेंचर पे मुझे डायमंड हॉर्स आर्मर मिला, और उस मेंशन के अंदर से गाइस मुझे मिला एक डायमंड ब्लॉक पहली बार। अब इस डायमंड ब्लॉक से मैं 9 डायमंड्स ले सकता हूं, और उसके बाद मुझे मिला टोटेम ऑफ अनडाइंग, और बाकी ये जो दो चीजें हैं ये भी मेरे को मिली है, जैसे कि डायमंड हुए, लेपिस लाजुली ब्लॉक एंड गोल्डन एप्पल। फिलहाल ये मेरे लिए उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बावड़ी पूंछ आइटम है, मेरे को इसकी जरूरत नहीं होती। बट गाइज, आज की वाली जो वीडियो है ना, इसका कंसेप्ट बाकी वीडियो से बहुत ज्यादा ही डिफरेंट होने वाला है। मतलब कि जब लास्ट टाइम मेरे को सारा आइटम मिला ना, तो मेरा दिमाग एकदम से चेंज हो गया। मतलब यार, एक ही बार में इतना सारा डायमंड्स कैसे मिल सकता है, वो भी बिना डायमंड को खोजे। मतलब मैं डायमंड ढूंढने नहीं गया था तब मुझे इतना मिल गया, अब वही मैं सोच रहा हूँ कि अगर ढूंढने जाऊंगा तब कितना मिल जाएगा। वैसे मैं डायमंड ढूंढने नहीं जाने वाला हूँ, डायमंड अपने पास हो चुका है, 14 डायमंड्स है। तो गाइस अब देखो, इतना सारा डायमंड हो चुका है, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग अपने सभी आर्मर्स को, सभी टूल्स को नेदरराइट का कर लें। मतलब क्या, अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ चेस्ट प्लेट और स्वॉर्ड और पिकेक्स ही नेदरराइट की है, बट वहीं पर अगर बूट, पैंट, हेलमेट और सब बाकी जो टूल्स है, जैसे शवल होगी, एक्स होगी, ये सब कुछ नेदरराइट का हो जाएगा, तो बहुत मस्त हो जाएगा। बट नेदरराइट को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन गाइस, मुझे एक ऐसी ट्रिक पता चली है, एक ऐसा तरीका पता चला है जिसके थ्रू हम लोग बहुत ज्यादा आसानी से 100% ढेर सारा एंशिएंट डेब्रीज ढूंढ सकते हैं, और एंशिएंट डेब्रीज से ही बनता है नेदरराइट इंगेट, और फिर उसके बाद जितने भी डायमंड के टूल्स हैं उस पे हमें एक इंगेट लगाना होता है, फिर वो नेदरराइट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि सबसे पावरफुल आइटम है। फिलहाल गाइस, ये जो पांडास है ना, मुझे बहुत ज्यादा गंदे लग रहे हैं, और अभी मैं इन सभी पांडास को ना अपने कासल के पीछे लेकर जाने वाला हूं। तो थोड़ा सा बैंबू तोड़ते हैं, और गाइस आज का वाला जो काम है ना, मतलब कि एंशिएंट डेब्रीज ढूंढने के लिए हमें ढेर सारे टीएनटी बनाने हैं, और टीएनटी के लिए चाहिए होगा हमें गन पाउडर। फिलहाल वो बात का काम है, वो भी सब कुछ कैसे मिलेगा, कब मिलेगा भी, वो सब हम लोग करेंगे। मतलब आज मैं 100% श्योर हूं मैं ढेर सारा एंशिएंट डेब्रीज ढूंढ के जाने वाला हूं। फिलहाल इन बावड़ी पूंछों को भाई मैं अभी पीछे लेकर चलता हूं। यहां पर मुझे ये वाला गेट खोलना पड़ेगा भाई, एक ये मैं क्या कर रहा हूँ भाई, एक सेकंड रुक जाओ, मतलब कोई कहेगा मेरे को इतना टाइम हो गया खेलते हुए। हाँ, तो फटाफट से गाइस अभी इसको तोड़ते हैं, इनका रास्ता खुल चुका है। आ जाओ भाई, दो पांडास लेकर आया था, और ऐसा लग रहा है 2 लाख पांडा हो गए। अगर ये सारे पांडा सब्सक्राइब का बटन दबा देना भाई, 2 लाख सब्सक्राइबर यूं बढ़ जाएंगे। तो गाइस, अगर आपने नहीं दबाया सब्सक्राइब बटन तो आप भी दबा देना, क्या पता 2 लाख वहीं बढ़ जाएं। वैसे मजाक कर रहा हूं, इतने लोग तो करेंगे भी नहीं, वैसे कर दो यार फटाफट से। बाकी चलो भाई, अगर सारे पांडास पीछे चले जाएंगे ना, तो आगे का एरिया थोड़ा साफ हो जाएगा। यहाँ पर ये भी तोड़ूंगा गाइस, इसको भी पीछे ले जाएंगे, आगे गंदा लग रहा है, एरिया ना स्पीड रखा है इन्होंने इसकी, ऐसी की तैसी। मैं इनको यहाँ पर ये बैम्बू दिखा रहा हूँ, और यही मेरे को इग्नोर मार रहे हैं, रुक जाओ। तो गाइस यहाँ पर अभी जितने भी बैम्बूज हैं ना, सभी को मैं तोड़ देता हूँ। ये भाई चौड़े में आ गया, इनके लिए मैंने इतने सारे उगा दिए ना, इनमें एटीट्यूड आ गया। मैं यार सोच रहा था कि इन पांडास को अपने गार्डन से पीछे ले जाऊंगा, तो थोड़ा बहुत ना लुक अच्छा हो जाएगा फ्रंट साइड का, बट यहाँ तो ये पूरे के पूरे कासल के गार्डन में फैल चुके हैं भाई, अब बस पांडा ही नजर आ रहे हैं मेरे को यहाँ पे। और वो देखो भाई, अच्छा खासा इतने सारे मेरे साथ आ रहे थे, बट बीच रास्ते में ये इनकी हरकतें शुरू हो जाती है ना, देखो इनका खान पान पहले चलता है, वो 5-6 वापस चले जाएंगे। चलो कोई नहीं, बस 2 एक बारी पहुंच जाएं, फिर अपना काम हो जाएगा। तो ओके गाइस, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ये मोटे डमरू पांडा यहाँ पर आकर अटक चुके हैं, और वो स्केलेटन मेरे को मार के भागा था, बट मेरे डॉगी ने देख लिया उसको कि इसने मेरे को मारा भी, इसकी बैंड बजाने वाला हूँ, मार इसको, इसके ऐसी की तैसी, तू नहीं मार, मैं मारूंगा इसको, अब मार इसमें, मारना भाई, कैसा डॉगी है यार, मार ही नहीं रहा उसे। चलो कोई नहीं, एक पांडा तो अंदर आ गया, तुम भी आओ यार, एक तो ये जगह थोड़ी ना पतली है, और ये डबल साइज के मोटे, आजा भाई आजा। वैसे अगर यही नहीं आ पाए तो और अंदर कहाँ जाएंगे ये। चलो कोई नहीं, एक बारी गार्डन तक इसे पहुंचा देता हूँ, फिर ठीक ही रहेगा भाई। अबे तुम यहीं रुको, तुम बाहर मत जाओ, तुम थोड़े दिन यहीं रुक जाओ, आराम से ले जाऊंगा भाई, इतने ज्यादा स्लो है, इतना टाइम खराब कर रहे हैं, अभी मेरे को बहुत कुछ करना है। तो गाइस देखो, सबसे पहले तो ना मुझे एक क्रीपर फार्म बनाना पड़ेगा। आप लोग को पता है कि यार, जो अपना क्रीपर फार्म है जो पहले मैंने बनाया था, वो यार मतलब वर्क नहीं करता ढंग से। उस टाइम तो मतलब क्या होता था कि उसमें एक आध क्रीपर स्पॉन होते थे, मतलब यार वर्क करता है बट उतना ज्यादा बढ़िया तरीके से वर्क नहीं करता। आप लोग को पता है कि टीएनटी बनाने के लिए गन पाउडर चाहिए होगा, और मुझे 1-2 टीएनटी नहीं बनाने हैं, मुझे कम से कम 200 टीएनटी बनाने हैं, क्योंकि जो मैं स्ट्रिक लगाने वाला हूं, उस स्ट्रिक में हमारे पास जितने टीएनटी होंगे उतने ही ज्यादा चांसेस है हमें एंशिएंट डेब्रीज मिलने के, क्योंकि हम लोग सीधा 1-2 नहीं 60-70 एंशिएंट डेब्रीज की माइनिंग करेंगे, वो भी 1 घंटे के अंदर। 1 घंटा भी मैंने ज्यादा बोल दिया, आधे घंटे के अंदर। फिलहाल ये वाला
जो फार्म है मैंने लाख कोशिश कर ली इसको चलाने की, बट आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो उसके अंदर क्रीपर स्पॉन नहीं होते, ये सिर्फ इसके अंदर रात के टाइम स्पॉन होते हैं, वो भी एकदम जो नेचुरल स्पॉन होते हैं ना वो वाले, बट फार्म वाले स्पॉन नहीं होते भाई। मतलब अलग ही सीन है, क्या सीन है देखना पड़ेगा, या तो हो सकता है कि नीचे काफी सारी केव्स हो, सारे क्रीपर वहां पर स्पॉन हो रहे हो, ये रीजन हो सकता है, या फिर और कोई रीजन हो सकता है, बट कोई नहीं। अभी आज का इसमें एक दूसरा क्रीपर फार्म बनाने वाला हूं जो कि 100% वर्क करेगा। अब भाई इसमें मैंने लाख कोशिश कर ली, बहुत टाइम खराब कर लिया, ये काम नहीं कर रहा। तो दूसरा फार्म बनाने के लिए हमें काफी सारा सामान चाहिए होगा, क्योंकि वो जो फार्म है बहुत बड़े लेवल का फार्म होने वाला है। अगर मैं सीधा उसे बड़े लेवल पर बनाऊंगा ना तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मीन्स मेरे को जब भी गन पाउडर चाहिए होगा, जब भी TNT बनाने होंगे, मैं सीधा उस फार्म से आकर ले लूंगा। और वैसे भी उस फार्म में जरूरी नहीं है सिर्फ क्रीपर स्पॉन हो, उसके अंदर सारे मॉब्स स्पॉन होंगे, तो मैं स्केलेटन, रोटन फ्लैश सब कुछ उसके अंदर से मिलता रहेगा। बट मैं उसको ऐसा भी सेट कर सकता हूँ कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रीपर स्पॉन हो ताकि मुझे गन पाउडर मिले। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने अपना फार्म बनाने के लिए यहाँ से काफी सारी लैंड क्लियर कर दी है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा क्लियर लैंड पे ही बनाने का मजा आता है, ताकि फार्म की जो लुक है ना उसका बेस भी यार थोड़ी बहुत अच्छा होगा, तभी तो उसकी लुक भी बढ़िया आएगी। फिलहाल मेरे सबसे इतना एरिया बहुत है, बाकी जिस जिस जगह पर होला, एक सेकंड यार, यहाँ कहीं वाटर ज़ॉम्बी है, मार भाई मेरे डॉग इसको, अभी इसका भूत बनाएगा, टेंशन की बात नहीं है। हाँ तो ये जो बाकी एरिया ना गाइस, यहाँ पर भी मैं डर्ट भर देता हूँ। इधर दो दो क्रीपर ब्लास्ट हुए थे आप लोग को याद होगा, जहां से मुझे क्रीपर का हेड मिला था, वो चार्ज क्रीपर थे। फिलहाल हाँ इतना बहुत है, अब फटाफट से ये जो डर्ट हुई है ना भाई भाई, अरे मेरे को क्यों मार रहा है तू, डॉग से भिड़ना। अबे यार इसको बताइयो जरा, अरे डॉग बड़े कमजोर हो रहे हैं। अच्छा अकेला ही है क्या, चलो कोई नहीं, थोड़े बहुत और लेकर आएंगे। तो हाँ गाइस, अभी इन जगहों पर मैं डर्ट लगा देता हूँ, रोटन फ्लैश तो मैंने अपने डॉग के लिए ले रखा है, इसको साथ के साथ भाई खाना भी खिलाना पड़ता है क्योंकि लड़ता ही रहता है पूरे टाइम। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल इस एरिया में जो जो पार्ट कैविटी वाला था उस जगह पर गाइस मैंने पूरे में डर्ट लगा दिया है। और एक सेकंड गाइस, यहाँ पर ये ट्रेडर आया शायद से, इसके पास शेल होते हैं ना, अबे शेल नहीं लेकर आया, सारी तेरी ऐसी तैसी, शेल कौन लेकर आएगा। एक तो यार ये नाइट के टाइम पे ना इनविजिबल पोशन पी लेते हैं, मुझे इसलिए नजर भी नहीं आ रहा, यहीं पर है, रुक जा रुक जा, इसके भी रख रख के। अरे भैंस की, इसका लामा मार रहा है क्या, अबे तो तू क्यों मार रहा है, उसको मार रहा हूं ना मैं, बदमाश मैंने कहा है बे, मेरे से भिड़ेगा तू, निकलो यहां से दोनों। एक तो शेल लेकर आया नहीं, और अगर लाता भी है तो एक बार में एक एक दो दो शेल देता है, पता नहीं वो तो बच गया बट उसके ये चेले चपाड़े जा चुके हैं। और उसको भी ढूंढने का तरीका होता है, समझ लो जहां पर धुआं निकल रहा है ना वहीं पर वही है, क्योंकि पोशन पीने के बाद उसका इफेक्ट दिखता है साइड साइड से। कोई नहीं, फिलहाल अपना काम जो है हो चुका है। अभी गाइज मेरे को ढेर सारा सामान इकट्ठा करना है उस फार्म को बनाने के लिए। वैसे सामान इकट्ठा करने के लिए ना गाइज, ये वाला जो फार्म है ना इसके अंदर मेरा ड्यूपर टूट गया था, वो देखो ऊपर की तरफ में वो जो स्लाइम लगी हुई है ना, जिससे TNT बार बार ही ड्यूप होकर गिर रहे हैं, वो चीज टूट गई थी। फिलहाल मैंने उसको रिपेयर कर दिया है और अभी जो है अपना फार्म ना चलने लग गया एकदम मस्त, और उसके अंदर से स्टोन भी जनरेट होना शुरू तो हो गए हैं, बट मेरे को TNT के गिरने की और उसके फूटने की आवाज नहीं आ रही यार। एक सेकंड, काम कर भी रहा है नहीं कर रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अरे भाई भाई भाई, वैसे इतना ज्यादा स्टोन पे पड़ा हुआ है, वो काम नहीं भी कर रहा तो मैं उसे दोबारा देख लूंगा भाई। वो ना मैंने उसको बनाने में कोई छोटी मोटी मिस्टेक करी है, जिस वजह से उसमें हर बारी दिक्कत आती है यार। फिलहाल अभी साइड से मैं चलता हूँ अंदर, इसको तोड़ देता हूँ ताकि ज़ॉम्बी अंदर ना आ पाए। मैंने यहाँ पर नीचे काफी सारा काम करा था, ये मैंने दिखाया नहीं, अभी इसके अंदर गाइस काफी सारा स्टोन भरा पड़ा है भाई, अंधा स्टोन मिलता है इसके अंदर से मुझे। और शल्कर बॉक्स में लेकर आया नहीं हूँ तो इस स्टोन को मैं अभी कलेक्ट करके भी नहीं ले जा सकता, तो मैं कल आऊंगा इसे दोबारा से कलेक्ट करने। और काम करते करते भाई देखो अगला दिन होने वाला है, चलो कोई नहीं, आज आज के लिए हम लोग ऐसे ही निकलते हैं। एक बार ही ना गाइस शल्कर बॉक्स ले आते हैं, सारा सामान भरते हैं जो जो चाहिए हमें उस बड़े फार्म को बनाने के लिए। वैसे बहुत सारा सामान चाहिए। और भाई 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 एक गड़बड़ हो गई, क्रीपर कितने सारे स्पॉन हो रखे हैं भाई, मेरे को लग रहा है क्रीपर फार्म बनाने की जरूरत ही नहीं है, इनको मार के इतना सारा गन पाउडर मिल जाएगा। बट नहीं यार, इनको मारने में भी तो टाइम वेस्ट हो गया था सारा भाई। एक तो पांडा के बीच में से छुप छुप के आ रहे हैं, इनसे मेरे को बहुत डर लग रहा है, आके फूट ना जाए एक आध बारी मेरे मुंह पे। पीछे से तो कोई नहीं आ रहा ना, पता चला मैं आगे वाले पे ध्यान दे रहा हूं और पीछे से कोई आ जाए, मार ना भाई इसको, कैसा डॉग है यार ये, इंतजार कर रहा है कि कब वो मेरे पे अटैक करे उसके बाद मारूंगा इसको। पता नहीं है क्रीपर अटैक करके खुद भी मर जाता है, उसको मारने का मौका भी नहीं मिलेगा। फिलहाल शल्कर बॉक्स मेरा बाहर ही पड़ा हुआ है, बाकी सामान बना लेता हूँ जब तक। मुझे भाई वैसे काफी सारा वुड चाहिए है पहले तो, बट उससे पहले ना मैं अपनी इन्वेंट्री खाली कर लेता हूँ यार, ये पूरी भरी पड़ी है। यहाँ पर कोई खाली चेस्ट नहीं है क्या, इसके अंदर ढेर सारा रोटिंग फ्लैश है, ये भी भरी हुई है यार। मैंने आइटम सॉर्टिंग सिस्टम बनाया बट मेरा नीचे जाने का मन नहीं करता, मतलब उसको देखेंगे यार, उसको भी ना थोड़ा बड़ा बनाऊंगा तो मजा आएगा। अभी उसके अंदर सिर्फ 6 ही आइटम सॉर्ट होंगे, फिलहाल के लिए इसी के अंदर मैं सारा आइटम डाल देता हूँ, वैसे इसमें तो कुछ अभी यूज नहीं है। ओके गाइस, अभी फिलहाल सारा फालतू का सामान मैंने इसके अंदर रख दिया है, अभी जल्दी से मैं एक काम करता हूँ। मेरे पास एक डायमंड की एक्स पड़ी हुई थी ना, कहाँ चली गई यार, काम के टाइम पे कोई चीज मिलती क्यों नहीं है। एक सेकंड, हाँ यहाँ पर एक एक्स पड़ी हुई है, तो ये वाली तो बिल्कुल टूटने की हालत में हो रही है, तो उसको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। मेरे पास भाई एक सेकंड,
इतनी सारी एक्स हुआ करती थी मेरे पास, बट अभी एक भी नहीं मिल रही है। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल मैं भागता भागता वापस से अपने फार्म में आ चुका हूँ। और गाइस ये पता क्यों नहीं वर्क कर रहा था, क्योंकि ऊपर वो जो आप ड्यू पर देख पा रहे हो ना, वहां पर माइनकार्ट लगी हुई थी, बट आई डोंट नो कैसे टूट गई। तो उसको मैंने उठाकर वापस से ऊपर लगा दिया है। और अभी ये जो फार्म है दोबारा से वर्क करने लग गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टोन जनरेट होता है, उसके बाद TNT ऊपर से ऑटोमेटिकली ड्यूप होकर गिरते हैं। वहां पर मैंने एक ही TNT सेट हो रखा है, वो बार बार ड्यूप होकर गिरता है और नीचे आके एकदम एग्जैक्ट टाइम पे ब्लास्ट होता है। फिर उसके बाद जितना भी स्टोन है वो नीचे आता है, नॉर्मल कोबलस्टोन आता है, उसके बाद कोबलस्टोन इन चेस्ट के अंदर स्टोर होता है। और ये जो चेस्ट है उन्हें डालती है होपर में, होपर उन्हें डालते हैं नीचे फर्नेस में, और फर्नेस में गाइस ढेर सारा कोल भरा हुआ है जो कि ये माइनकार्ट डाल रही है। देखो यहाँ पर काफी सारा कोल है ना, ये सारा माइनकार्ट ले जाके इसके अंदर भरे जा रही है। भाई मतलब बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का फार्म है। और उसके बाद भी खेल खत्म नहीं होता है, जब ये सारा फर्नेस में चले जाता है तो फर्नेस इन्हें एक नॉर्मल स्टोन में कन्वर्ट करता है कोबल स्टोन को, और फिर वो कोबल स्टोन सारे आकर इन चेस्ट में स्टोर होता है। बाकी तीनों चेस्ट इस टाइम पर फुल हो गई है। तो फटाफट से गाइस हम लोग सामान अपना बाहर निकालते हैं, और अभी इसके अंदर कोल दोबारा से खत्म होने वाला है। मुझे दोबारा से ढेर सारी मेहनत करनी पड़ेगी कोल इकट्ठा करने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि ना गाइस ब्लेज फार्म बना लेते हैं, क्योंकि ब्लेज बहुत ज्यादा बढ़िया होते हैं, फिर हमें इतना कोल इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। हाँ तो अपना शल्कर बॉक्स तो फुल हो चुका है, और जो बाकी बचा हुआ स्टोन है वो मैं वापस इसी के अंदर रखवा देता हूँ, और कभी आकर ले जाएंगे, क्योंकि अभी गाइस मुझे और भी ढेर सारा सामान इकट्ठा करना है उस फार्म को बनाने के लिए। फिलहाल शल्कर बॉक्स के अंदर स्टोन ही रहने दो, कम पड़ेगा तो दोबारा आ जाएंगे। लेट्स गो, फिलहाल हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, और अभी ना गाइस जल्दी से चलते हैं वुड इकट्ठा करने के लिए, फिर बाकी का सामान बना लेंगे। वैसे ज्यादा कुछ नहीं बनाना मुझे, कुछ डिस्पेंसर्स बनाने हैं, ऑब्जर्वर बनाने हैं, रेडस्टोन टॉर्च बनानी है, जिसके लिए रेडस्टोन मेरे पास ढेर सारा है। ज्यादा कुछ नहीं है, छोटी मोटी आइटम है ढेर सारी, इसीलिए तो गाइस मैं दो दो एक्स अपने साथ लेकर आया हूँ। और अभी ना फिलहाल मैं थोड़ा दूर आ चुका हूँ अपने कासल से, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार मैं अपने कासल के अगल बगल के सारे पेड़ तोड़ डालूं। भाई अगर ऐसा करूंगा तो पूरी हरियाली खत्म हो जाएगी यार अपने कासल के आसपास। थोड़ी दूर दूर तोड़ लेते हैं, यहाँ कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे भी मैं अपने कासल के ज्यादा दूर नहीं हूँ, देखो बीकन नजर आ रहे हैं पास में ही हूँ, थोड़ा सा दूर चल लेते हैं। हाँ यहाँ पर पेड़ है, यहाँ से तोड़ते हैं। ओके गाइस अभी फिलहाल पीछे से मैंने काफी सारा वुड इकट्ठा कर लिया है। फिलहाल मेरी एक एक्स तो टूट चुकी है, और ये जो दूसरी वाली एक्स है ये भी टूटने वाली है। वो तेरी भैंस, यहाँ पर काफी सारे मॉब्स आ गए हैं मेरे हिसाब से गाइस, इतना वुड्स बहुत होगा। और ये देखो स्केलेटन की पूरी हालत खराब है मेरे डॉग से, बट फिर भी इसको मेरे से पंगे लेने भक्का है। अब एक सेकेंड इसके भी रख के एक बजा दिया है, तो चलो कोई नहीं, यहाँ पर थोड़ा बहुत और वुड है ये भी इकट्ठा कर लेते हैं ताकि कम ना पड़े। एक तो यार ये वेदर भी भाई कसम से थंडर होते ही रहता है भाई, और बार बार तबाही मचती रहती है। दो दो क्रीपर आ रहे हैं, मेरा डॉग जाएगा अगर पीछे हुआ तो, शायद गया या फिर बच गया पता नहीं, मेरे को नजर नहीं आ रहा शायद वो। अच्छा ये रहा, चलो ठीक है भाई, दो दो क्रीपर आ गए थे झटके से। फिलहाल गाइस अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं, मेरे को ना गाइस अभी वो सारा का सारा सामान इकट्ठा करना है जिस जो कि मतलब अपने उस फार्म में यूज होने वाला है। और मुझे ना गाइस थोड़ी बहुत जगह और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उसको बनाने के लिए काफी सारी जगह चाहिए। अभी ये आप देख पा रहे हो थोड़ा सा एरिया यहाँ पर मैंने क्लियर करा है, थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा एरिया, बट अभी नहीं। फिलहाल काफी सारा सामान इकट्ठा हो गया है, पहले चल करना गाइस हम लोग सो जाते हैं, सामान बना लेते हैं, उसके बाद आकर गाइस हम लोग यहाँ पर जो अपना फार्म बनाने का काम है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और भाई ये पांडास को तो देखकर इतना अजीब लग रहा है, पूरे कासल में ऐसे फैल रखे हैं ना भाई, पूछो मत। लेट्स गो गाइस नेक्स्ट डे। और अभी फिलहाल मैं सोकर उठ चुका हूँ, जल्दी चलकर गाइस सारा का सारा सामान हम लोग यहाँ पर क्राफ्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे ट्रैप डोर की जरूरत नहीं है, सबसे पहले मैं काम करता हूँ जितना भी स्टोन है ना गाइस इसको मैं स्टोन ब्रिक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ इनकी जो लुक है वो काफी ज्यादा सही हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं स्टोन ब्रिक्स बना लेता हूँ ढेर सारे। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर जितना भी स्टोन था उन सभी को मैंने स्टोन ब्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। फिलहाल यहाँ पर थोड़े बहुत और पड़े हुए थे तो इनको भी मैंने ले लिया है। और गाइस अभी मेरे को थोड़ी बहुत स्काफ फोल्डिंग चाहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को चाहिए मैग्मा ब्लॉक, जो कि बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। वैसे मुझे उसको लेने के लिए नेदर में जाना पड़ता, बट मैं थोड़े टाइम पहले कलेक्ट करके लाया था, और मैंने यहीं कहीं पर किसी चेस्ट में तो उसे रखा था। वैसे रेड स्टोन डस्ट भी चाहिए, मुझे रेल भी चाहिए और पावर्ड रेल भी चाहिए। तो मैग्मा ब्लॉक तो मुझे यहाँ से मिल गया, बट यार ये बहुत कम है, मैंने यहीं कहीं पर रखा था। ओके तो यहाँ पर काफी सारा मैग्मा ब्लॉक है, मुझे 40 के आसपास चाहिए, तो हम लोग एक स्टैक ले लेते हैं, थोड़ा कम पड़ेगा तो यूज कर लेंगे। वाटर बकेट ले लेते हैं, ये भी काम आने वाली है। ओके गाइस तो अभी मैंने यहाँ पर टोटल 12 चेस्ट बना लिया है, और अभी मुझे चाहिए होगा ढेर सारा आयरन। सारा सामान मेरे पास पड़ा हुआ है बट इधर उधर अलग अलग रूम्स में है, तो फटाफट से गाइस। ओ तेरी भैंस, ओ नहीं 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 भाई भाई फटेगा ये, फटी मत, बहुत नुकसान हो जाएगा। मेरे पास वाटर बकेट है, एक मिनट रुक जाओ, ये रही वाटर बकेट, आने वाला होगा क्रीपर एक मिनट। यहाँ पर पहले तो मैं पानी डाल देता हूँ, और अब मैं इसका मुंह तोड़ता हूँ। वैसे ये चेस्ट के कुछ ज्यादा करीब है, मैं रिस्क नहीं ले सकता यार, इसको पहले हम लोग ना यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। इधर आ जा भाई क्रीपर, तू बाहर ही आ जा, क्योंकि अंदर मेरे को डर लग रहा है इसको मारने में। एक तो डॉग भी ना इसे मारेगा नहीं जब तक ये मेरे ऊपर अटैक नहीं कर देता। हाँ अब बोल फालतू का, ओ गया गया गया, लेट्स गो। वो तेरी नुकसान हो गया भाई, एक मिनट
मुझे लग रहा था कुछ भी नहीं बचेगा, बट कभी कभार हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे गए, गेट वेट टूट गए हैं और ये क्वार्ट्स ब्लॉक भी चले गए यार। इसको मेरे को नेदर से मैं लाया हूँ काफी सारे, बाद में रिपेयर कर देंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं इस जगह को बंद ही कर देता हूँ और तू ऊपर आ जाए यार, अंदर ही घुस के बैठा हुआ अपना डॉग। चलो कोई नहीं, टेलीपोर्ट हो जाएगा। वैसे गाइस जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि अपने टाउन हॉल के अंदर काफी सारे विलेजर्स हो चुके हैं, मतलब कि अभी काफी ज्यादा बढ़िया रहता है ट्रेडिंग करने के लिए। हर एक आइटम हमें बहुत ज्यादा आसानी से मिल जाती है, वरना पहले तो भाई हर एक चीज छोटी मोटी चीज भी बनाने जाना पड़ता था, ब्रेड तक बनानी पड़ती थी, बट अब वो सीन नहीं है। वैसे गाइस अभी ना मुझे अपना फार्म बनाने से पहले यहाँ का थोड़ा बहुत एरिया ना और क्लियर करना पड़ेगा, इधर का नहीं, ये सामने वाले एरिया का, क्योंकि वो जो फार्म है ना गाइस बहुत ज्यादा बड़ा है। तो समझ लो मैं इसको यहाँ तक अभी और क्लियर करने वाला हूँ, यहाँ तक। तो यहाँ फटाफट से एक बाउंड्री बनाते हैं, उसके अगल बगल की जितनी डर्ट है सारी निकालते हैं। तो ओके गाइस लेट्स गो। अभी फिलहाल यहाँ पर से मैंने काफी सारी ग्रास और डर्ट जो है हटा डाली है, और भाई अपनी ये जो शवल है ना गाइस ये काफी तेज काम कर दी है बट डर्ट के ऊपर। तो आप लोग मुझे ये बताना कि मुझे इसके ऊपर भाई कौन सी मतलब की एनचेंटिंग लगानी चाहिए कि ये नॉर्मल डर्ट के ऊपर भी, मतलब जो ग्रास है उसके ऊपर भी बहुत बढ़िया से काम करे। और वैसे मुझे मालूम है इसके ऊपर अब लग नहीं पाएगी क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी एफिशिएंसी और अनब्रेकिंग लगी हुई है। तो जो कोई दूसरी शवल मैं बनाऊंगा, सर डायमंड की हमें नहीं, हम लोग दूसरी शवल बना लेंगे, क्या पता है ये नेदरराइट होने के बाद और मस्त काम करने लग जाए। तो जितने भी टूल है वैसे भी आज वो सारे नेदरराइट हो जाएंगे, मैं 100% श्योर हूं, बट उससे पहले ये वाला काम निपट जाए। इसमें एक ही बार टाइम लगेगा, फिर उसके बाद जिंदगी भर के लिए मैं जितना चाहूं उतना नेदरराइट बना सकता हूं बहुत प्यार से। बट हां थोड़ा बहुत डायमंड भी माइन करके लाना पड़ेगा, और डायमंड माइन करना उतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो गाइस देखो इसको बनाने के लिए ना पहले मैं एक बार ये ना सेंटर नहीं मेजर करता हूं, एक काम करता हूं यहां से स्टार्ट करता हूं। तो ओ भैंस की यहां पर कहीं आसपास विच है भाई, मुझे उसकी आवाज है। और ये ट्रेडर, अच्छा भाई जब भी हम कोई क्राफ्टिंग वाला काम करते हैं ना तो ट्रेडर हर दो दो सेकंड में आते रहता है। ये देखो भाई दोबारा से आ गया दूसरा ट्रेडर, और ये इस बार भी कुछ काम शेल कब लेकर आएगा मुझे एक फिक्स रेट बता दे। फिर उसके बाद यार एक तो इनको समझा के क्यों नहीं लाता यार, टाइम खराब करते हैं यार भारी, भागो यहाँ से सबके सब, कुछ नहीं कहूंगा मैं तुम्हें। और फिर से रात होने वाली है, तू निकल आ, हमेशा पिटने के लिए आता है मेरे से भाई। मेरे को नहीं पता ये शेल कब देते हैं, इतना टाइम हो चुका है कभी शेल नहीं देते। एक मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं सोने जाऊँ या आगे काम स्टार्ट करूँ। चलो छोड़ो। तो कैसे को सबसे पहले मुझे ना 9 ब्लॉक्स लगाने लाइन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक इधर का लगा नहीं है मुझे मालूम है, दोबारा काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ तो गाइस यहाँ पर पूरे टोटल 9 ब्लॉक्स है, और नीचे 100% एक विच है, मुझे उसकी पूरी आवाज आ रही है। यहाँ पर गाइस अपना इधर तो नहीं है, वो है तो यही कहीं पर किसी बेसमेंट में ही है शायद, जहाँ पर मैंने पानी सुखाया ना वो वहाँ पर होगी भाई, डरा से ही रही है एकदम हंस हंस के। तो हाँ 9 ब्लॉक्स मेरे को यहाँ पर लगाने हैं, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें थोड़ी बहुत इधर उधर गलती हो सकती है क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा मैंने यहाँ पर 1 2 9 काउंटिंग सही, मतलब काउंटिंग तो सही करी है, बट एक ब्लॉक ना मिड ब्लॉक है तो उसको मेरे को समझ नहीं आ रहा काउंट करूँ। वैसे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो एकदम बस देखने में अच्छा लगेगा अगर एकदम सेम साइज का बनेगा। वैसे काम तो वो 100% करने ही वाला है, तो मैं काम करता हूँ इसको 1 काउंट करके 8 ब्लॉक लगाता हूँ, 1 2 3। यार ये ब्लॉक कैसे हटा रहा है तेरी ऐसी की तैसी, मारता नहीं तेरे को पर तूने ब्लॉक कैसे हटा। भाई मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, कुछ ज्यादा यहाँ पर ज़ॉम्बीज स्पॉन हो चुके हैं, नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पर काम करने आएंगे। लेट्स गो गाइस, अभी फिलहाल मैं सोकर उठ चुका हूँ, नेक्स्ट डे हो चुका है, फटाफट से हम लोग वापस से चलते हैं अपने फार्म पे। और यहाँ पर जितने ज़ॉम्बीज थे रात में जो फैल रहे थे अभी सारे के सारे जल रहे हैं। वैसे हाँ यार इलाइट्रा क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ मैं, इतनी सुपर फास्ट चीज़ है अपने पास और फिर भी मैं एकदम स्लो स्लो जा रहा हूँ। वैसे गाइस मैं कुछ ज्यादा रॉकेट यूज कर रहा हूँ, मुझे दोबारा से बनाने पड़ जाएंगे, और इस जगह को गाइस मुझे दोबारा से ठीक करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ी सी डर्ट और हटानी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर गाइस हाँ सच्ची में थोड़ी सी डर्ट मेरे को और हटानी पड़ेगी, 3 ब्लॉक की मेरे को मतलब की 6 7 8, यानी कि बस मेरे को एक लेयर और हटानी है, बट फिर भी हम लोग 4 एक्स्ट्रा थोड़ी सी ज्यादा लेयर हटा देते हैं। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल इस एरिया की मैंने एक और लेयर की जो डर्ट है उसे हटा दिया है, और ये जो बाकी का एरिया मैं इसको बाद में फिल करूंगा। फिलहाल अभी हम लोग अपने आगे काम करते हैं, जो अपने फार्म का बेस है इसे कंप्लीट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब हमें आगे एक ब्लॉक लगाना है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ एकदम बराबर बन भी रहा है या फिर नहीं। वैसे हाँ ये एकदम बराबर है, अब बस मुझे 9 इस तरीके से लगाने हैं। तो 1 2 3, अरे यार 3 ये टेढ़े मेढ़े लग जा रहे हैं बार बार। 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो भी एकदम मस्त फ्रेम बना है। अब मुझे आगे काम क्या करना है कि ये जितने भी मिड वाले ब्लॉक्स हैं ना इसके आगे की मुझे ना ये वाली जो डर्ट है इसको तोड़ना है, मतलब कि इनके बीच की नहीं तोड़ना बट जो इसके आगे की है ना इसकी सारी डर्ट मैं पहले हटाता हूँ, मतलब ये जो ग्रास है इसको हटा देता हूँ चारों तरफ से। ओके गाइस अभी फिलहाल ये जो मिड के 9 ब्लॉक्स है ना इनके आगे के सभी एक एक ग्रास ब्लॉक्स मैंने हटा दिए हैं। अब मुझे इसके बाद क्या करना है कि ये जो ब्लॉक्स है ना दोनों जो कॉर्नर वाले हैं इनके बीच का एक ब्लॉक मुझे छोड़ देना है, क्योंकि गाइस यहाँ से ना अभी मैं वाटर डालने वाला हूँ
तो ये वाटर फ्लो ना पूरा एकदम सेंटर तक ले जाएंगे, बस इसीलिए करना है। तो ये तो चलो सिंपल ही चीज़ थी, आपको समझ ही आ गई होगी वैसे भी। हाँ, तो इसके बाद के जो जितने भी मिड ब्लॉक्स हैं सारे मेरे को हटाने हैं, बस ये जो कॉर्नर वाले हैं ना इनके बीच के एक एक ब्लॉक मेरे को हर जगह छोड़ देना है कुछ इस टाइप से। फटाफट गाइस जैसे भी कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद एक बेस बनाना है, वहां पर वाटर डालना है, उसके बाद समझ लो अपना आधा काम नहीं भाई, अभी बहुत कुछ बचा है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ से मैंने सारी की सारी डर्ट जो है रिमूव कर डाली है, फिलहाल ये लास्ट कुछ एक डर्ट और रह गए, तो फटाफट से गाइस इनको भी हटा देते हैं। और अभी तो गाइस इतना काम अपना हो चुका है, ये फालतू की जो डर्ट यहाँ पर पड़ी हुई है इसको तो अभी हम लोग बाद में हटाते रहेंगे, ये वैसे भी अपने आप डिस्पोन हो जाएगी। तो अभी सबसे पहले गाइस मुझे यहाँ पर एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाना है, इसलिए मैं दो वाटर बकेट अपने साथ लेकर आया था। और अभी मुझे इन वाटर बकेट से पानी भरना है, और ये जितने भी कॉर्नर वाले एरिया पर ये जो मैंने ब्लॉक छोड़ा है तो इनके ऊपर अभी हमें इन वाटर को डालना है, ताकि जितना भी सामान अब यहाँ पर गिरे, मतलब ऊपर से जब क्रीपर गिरेंगे इस वाले बेस में, तो उसके बाद उन्हें सेंटर में जाना चाहिए और फिर वो सेंटर में जाकर मरने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली, वो सब कुछ अभी बनेगा। बट उससे पहले गाइस ये वाला जो अपना काम है ना, मतलब कि वाटर को भी हमने एक डाल के ना एक मस्त स्विमिंग पूल बनाना है यहाँ पर, तो वो हम लोग पहले पूरा कंप्लीट करते हैं। तो काफी सारा पानी यहाँ पर डलने वाला है, बट हमें सिर्फ कॉर्नर वाले में डालना है, मिड वाले में नहीं। तो फटाफट से उसको भी मैं कलेक्ट करता हूँ और एक बार चेक कर लेता हूँ, वाटर फ्लो एकदम परफेक्ट जा रहा है, ये एकदम सेंटर तक नहीं जा रहा होगा, वो जाएगा बट उसको करेंगे अभी नहीं, पहले इतना काम करते हैं। तो ओके गाइस, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो बिना, फिलहाल एक साइड मैंने वाटर बकेट डाल कर फ्लो पूरा सेट कर दिया है, अब सेम टू सेम यही चीज मेरे को बाकी तीन साइड पर भी करनी है, ताकि जो वाटर फ्लो है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो फटाफट से गाइस हम लोग आगे का काम स्टार्ट करते हैं, और अभी आप देखते जाओ कितना मस्त स्विमिंग पूल बनने वाला है यहाँ। तो ओके गाइस, अब बिना बस यहाँ पर मुझे एक वाटर बकेट और डालनी है, और फाइनली ये जो अपना बेस है ना, जो स्विमिंग पूल है अपने फार्म का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब बस मुझे जाना है एकदम सेंटर वाले ब्लॉक में, मेरी डायमंड शवल पूरी खत्म होने की हालत में आ चुकी है। तो मेरे हिसाब से गाइस सेंटर ब्लॉक यही वाला, एक बारी में ढंग से काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, परफेक्ट है। तो यही है सेंटर ब्लॉक, इसके अगल बगल के 9 ब्लॉक्स मेरे को और तोड़ने हैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर ये 3x3 का एक स्क्वायर टाइप बन चुका है, और इसके बीच में गाइस अंदर जाकर मुझे थोड़ा सा एरिया बनाना है यहाँ पर ना गाइस, अब मॉब ट्रैप बनने वाला है, ऊपर से क्रीपर गिरेंगे स्विमिंग पूल में, उसके बाद वो बहकर सीधा नीचे आ जाएंगे। और यहाँ पर अभी मैं लगाने वाला हूँ मैग्मा ब्लॉक, आपको पता होगा मैग्मा ब्लॉक पर अगर कोई खड़ा होता है तो उसकी एचपी कम होती है, फिर मैग्मा ब्लॉक के ऊपर खड़े होकर वो सारे मरेंगे, उसके बाद उनसे जितना भी गन पाउडर गिरेगा वो सारा इधर एरिया में कलेक्ट होने वाला है। तो जल्दी से वाला रूम भी बनाते हैं, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, ऊपर की बस लेयर बनानी है जहाँ पर वो स्पॉन होने वाले हैं। तो ओके गाइस लेट्स गो, अभी फिलहाल मैंने अपने फार्म के बेस के नीचे एक मस्त सा रूम बना दिया है जिसकी हाइट है 4 ब्लॉक, वैसे मुझे 3 हाइट की जरूरत थी बट मेरे को एक हाइट का यार ये मस्त सा फ्लोर भी तो बनाना चाहिए ना, इसीलिए तो मैं इतने सारे स्टोन ब्रिक्स अपने साथ रखता हूँ। आप लोग को पता ही होगा चाहे कोई भी फार्म बनाना हो या कुछ भी बनाना हो, मैं इन स्टोन ब्रिक्स का यूज़ जरूर करता हूँ, क्योंकि इसकी थीम अपने कासल से मैच करती है, नहीं अपने कासल की थीम इससे मैच करती है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर जो 9 ब्लॉक्स मैंने तोड़े थे एकदम इन्हीं के नीचे गाइस, अभी मेरे को ना यहाँ पर थोड़े से और स्टोन ब्रिक्स चाहिए होंगे, तो इसको मैं रखता हूं। तो मुझे ना यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाने हैं सारे ब्लॉक्स। वैसे एक काम करता हूँ, इधर थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा, इधर के तोड़ के मतलब उधर के लगा के इधर के तोड़ता हूँ। और अभी मुझे यहाँ पर गाइस रखनी है डबल चेस्ट, और डबल चेस्ट के नीचे दोबारा से रखनी है डबल चेस्ट, और उसके भी नीचे की गाइस मुझे वाले जो ब्लॉक है इन्हें तोड़ना है। एंड यहाँ पर अभी मेरे को जरूरत पड़ने वाली है हॉपर्स की, तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल ऊपर आकर मैंने इन हॉपर्स को उठा लिया है। वैसे गाइस अभी ना मुझे उस स्टेप से पहले ना यहाँ पर एक काम और करना था, कि ये जितने भी यहाँ वाली डर्ट है ना इन सबको भी मुझे रिमूव करना है, क्योंकि उसके बाद अपना जो काम है ना वो एकदम बढ़िया तरीके से होगा। बट कोई नहीं, इस काम को हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, बस हमें नीचे ये ध्यान रखना था कि हमारी जो हाइट है, मतलब हमारा जो नीचे वाले रूम की हाइट है वो 3 ब्लॉक्स की होनी चाहिए, और वो 3 ब्लॉक्स की ही है। फिलहाल यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डर्ट निकल गई है, इसको भी हम लोग लगा लेते हैं ताकि वाटर का फ्लो ज़्यादा आगे ना आए। लेट्स गो गाइस, सब कुछ एकदम परफेक्ट है फिलहाल। यहाँ पर जितनी भी फालतू डर्ट है इनको भी मैं हटाता हूँ, बट उससे पहले ना गाइस अभी हम लोग नीचे वाले रूम का काम कंप्लीट करते हैं, उसे अधूरा छोड़कर आए हुए हम लोग। ओके, तो अभी फिलहाल यहाँ पर मैं नीचे आ चुका हूँ, तो हाँ मेरे को हॉपर प्लेस करने थे ताकि जितना भी सामान अब ऊपर से गिरेगा ना वो सारा इन चेस्ट के अंदर आ जाए। वैसे ये फार्म किस तरीके से काम करने वाला है वो तरीका बहुत सिंपल है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जितना मेरे को समझ आया है फिलहाल, मैंने भी क्योंकि ये सीखा है भाई ये कैसे बनाया जाता है। तो गाइस देखो होगा क्या, अभी ना मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ मैग्मा ब्लॉक, तो ये जो पूरा स्विमिंग पूल है ना इसके ऊपर में क्रीपर आकर गिरेंगे, और वो जो क्रीपर है वो स्विमिंग पूल के फ्लो की वजह से एकदम सेंटर में आ जाएंगे, और सेंटर में यहाँ पर लगेंगे मैग्मा ब्लॉक।
ब्लॉक, और मैग्मा ब्लॉक के ऊपर खड़े होने से हेल्थ कम होती है, फिर क्रीपर मरेंगे और क्रीपर के मरने के बाद उनका सामान नीचे आ जाएगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैग्मा ब्लॉक से सामान पार नहीं हो सकता, तो सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं माइन कार्ड विद होपर, जो कि कॉन्टिन्यूसली इधर मूव करते रहेगी। मूव करने के लिए यहाँ पर मेरे पास ट्रैक है, तो मैं एक रेलवे ट्रैक इधर बिछा दूंगा, तो मूव करते रहेगी ऑटोमेटिकली, और सारा सामान इस होपर में डालते रहेगी। होपर से चेस्ट में आएगा, चेस्ट से दूसरी चेस्ट में जाएगा, और हमारे पास गन पाउडर ही गन पाउडर हो जाएगा। चलो कोई नहीं, बात ज्यादा कर ली, आगे काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने रखी पावर ड्रिल, और अभी ना एक सेकंड यार, ये वाली मेरे को रखनी नहीं है, एकदम तरीके से लगाएंगे लाइन वाइज। तो इसका ट्रैक मुझे कुछ इस तरीके से बनाना है कि कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहे, रुकनी नहीं चाहिए। और ये देखो, ये होती है गड़बड़, तो यहाँ पर मेरे को पहले लगाना था, अभी ये ठीक हो चुकी है। ये वापस घूमेगी, फिर यहाँ पर आएगी, इसे पावर ड्रिल से दोबारा पावर मिलेगी, फिर ये घूमेगी, फिर घूमेगी, फिर इसके बाद यहाँ पर आकर इससे अटैच हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं माइन कार्ड भी तो ऊपर लेकर नहीं आऊँ, बट जब लेकर आऊँगा तो उसको मैं इसके ऊपर रख डालूंगा। तो इतना काम गाइस समझ लो अपना कंप्लीट हो गया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सब कुछ ओके है ना। हाँ, नहीं नहीं, एक चीज़ रह गई अभी मुझे गाइस, इसके नीचे रेडस्टोन टॉर्च लगानी है। मेरा काफ़ी सारा सामान ना यार इधर उधर ड्रॉप हो चुका है, तो यहाँ पर रेडस्टोन टॉर्च लगाकर मैंने इसके अंदर पावर दे दिया। वो देखो, उसमें लाइट जल गई, सेम टू सेम अभी इसके अंदर भी लाइट जल जाएगी, ये देखो। तो अब इसके अंदर पावर आ गई है, जिससे कि अपनी माइन कार्ड विद होपर ऑटोमेटिकली जिंदगी भर के लिए घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। अब बस गाइस मुझे इस वाले फार्म से बाहर निकलना है, और बाय बाय बाय, पानी कहाँ से आ रहा है? लेट्स गो गाइस, अभी फिलहाल मैं एकदम मस्त सुरंग बनाकर इस फार्म से बाहर निकल चुका हूँ किसी दूसरे रास्ते से। ओके, तो मैं फार्म के एकदम बढ़िया रास्ते से बाहर आया हूँ, और इन पांडास को देखो भाई, अपने कासल से कितना ज्यादा दूर आ चुके हैं। ओके, तो अभी गाइस मुझे क्या करना है, यहाँ पर जितनी भी फालतू डर्ट है ना, इसको हटाकर यहाँ पर लगाने हैं मैग्मा ब्लॉक्स। तो पहले इसको हटा देता हूँ, फिर मैग्मा ब्लॉक लगाते हैं। तो गाइस अभी ना फिलहाल मैं भागता हुआ अपने कासल से वापस आ रहा हूँ। पता नहीं कहाँ पर मैंने अपने मैग्मा ब्लॉक का पूरा एक स्टैक ड्रॉप कर दिया था, और जो थोड़ा बचा कुचा मैग्मा ब्लॉक था ना, अलग अलग चेस्ट से वो बटोर के ला रहा हूँ। 44 है, पता नहीं इससे पूरा काम हो भी पाएगा या फिर नहीं, वैसे जहाँ तक है हो जाना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले तो हाँ, मुझे यहाँ का सेंटर ब्लॉक पता करना था, जो कि मालूम था बट मैंने तोड़ दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे हिसाब से यही सेंटर ब्लॉक होना चाहिए। इधर भी लगा कर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है वैसे वही वाला सेंटर ब्लॉक है, तो मैं यहाँ से 7 ब्लॉक तोड़ देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो गाइस यही सेंटर ब्लॉक है, एंड इस ब्लॉक के नीचे हमें एक लगाना है मैग्मा ब्लॉक, और इसको भी मेरे को हर साइड से कवर करना है, ताकि यहाँ पर टोटल 9 ब्लॉक्स हो जाएँ। तो 1 2 3 4 5 6, ये ज़्यादा तो नहीं हो गए? नहीं नहीं, एकदम परफेक्ट है, पूरे टोटल 9 ब्लॉक्स हैं। तो अब इन मैग्मा ब्लॉक्स की गाइस मुझे यहाँ पर साइड में एक लेयर और बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो अभी एकदम सब कुछ परफेक्ट है, अब ये 4x4 के हो चुके हैं ना शायद से, नहीं 4x4 क्यों, 1 2 3 4 5, हाँ 5x5 का ये पूरा सेटअप हो चुका है। अब गाइस मुझे क्या करना है, इसके आगे मुझे 4 ब्लॉक्स लगाने हैं। तो 1 2 नहीं 4 नहीं, टोटल 3 लगेंगे। अब इस 3 ब्लॉक के आगे यहाँ पर लगेगा एक ब्लॉक और सेम टू सेम गाइस यही चीज़ मेरे को चारों साइड पे करनी है, बस फिर अपना काम हो गया। 1 2 3, इसको भी तोड़ के यहाँ पर एक लगाता हूँ, ठीक है, सारा काम हो चुका है। अब जल्दी से हम लोग क्या करते हैं कि ये एक एक जो ब्लॉक मैंने छोड़े थे, इन सभी को बस मैं तोड़ते जाता हूँ, पानी अपने आप ही आगे आता जाएगा। तो गाइस अभी फिलहाल यहाँ पर वाटर फ्लो तो एकदम परफेक्ट जा रहा है, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मेरी अनब्रेकिंग वाली डायमंड शोवल टूट कैसे गई। भाई अनब्रेकिंग मैंने कभी यूज नहीं करा है, और मेरे को जहाँ तक पता है उससे ये होता है कि सामान टूटता नहीं है, बट वो पता नहीं कैसे टूट गया। चलो कोई नहीं, फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर हमें फेंस रखना है बीच वाले जो 9 टोटल ब्लॉक्स थे। तो 1 2 3 4 5 6, एक सेकेंड, यहाँ पर कौन से वाले रह गए हैं, साइड के तो हो गए ना, हाँ तो ये इस साइड वाले रह गए। तो जल्दी से इधर मैं फेंस गेट रखता हूँ ताकि वाटर इधर ना आ पाए, और इन फेंस गेट को मैं खोल दूंगा। तो चलो गाइस अभी फटाफट से यहाँ पर ये जितने भी फेंस गेट हैं इसको मैं ओपन कर देता हूँ, बट मैग्मा ब्लॉक से बच के, क्योंकि मैग्मा ब्लॉक पर खड़े होने के लिए मुझे कंट्रोल दबा के रखना पड़ेगा, और कंट्रोल दबा कर अगर मैं इन फेंस गेट को खोलूंगा तो ये खुलेंगे नहीं। तो चलो गाइस अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने सारे के सारे फेंस गेट खोल दिए, अपना इतना काम हो चुका है, अब बस मुझे ऊपर की लेयर्स बनानी है। भाई 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 भाई, ये काम सबसे ज़्यादा खतरनाक था, मतलब टाइम टेकिंग था, खतरनाक नहीं था, अब खतरनाक काम स्टार्ट होने वाला है, बट उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैंने अपनी इन्वेंट्री से सारा फालतू का सामान निकाल कर इन फालतू चेस्ट में रख दिया है। फिलहाल लास्ट टाइम, एक सेकेंड, ये स्पाइडर के पोशन कैसे लगा हुआ है भाई, ये कुछ स्पेशल स्पाइडर लग रही है मेरे को, ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि इसके ऊपर शायद किसी ने कोई पोशन डाल दिया। आसपास विच है क्या भाई? ओ, एक के नहीं दोनों के ऊपर पोशन लगा हुआ है, मैं इनको मारने नहीं वाला, क्या पता ये कोई स्पेशल स्पाइडर हो। फिलहाल हाँ, लास्ट टाइम जब मैं सामान इकट्ठा कर रहा था, क्रीपर आकर फूट गया भाई, सामान ना थोड़ा ज्यादा था, इसलिए मैंने फटाफट से इकट्ठा कर लिया। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो मेरे पास कुछ डिस्पेंसर है, ऑब्जर्वर है, नॉर्मल आइटम ही है, रेड स्टोन रिपीटर्स है, रेड स्टोन टॉर्च है थोड़ी बहुत, और काफी सारा स्टोन है। वैसे गाइस अभी मेरे को थोड़ा बहुत ना और फूड चाहिए होगा, क्योंकि गाइस अब अपना जो फार्म है वो समझ लो ऑलमोस्ट
पूरा कंप्लीट होने वाला है, तो यहाँ से हम लोग थोड़ा बहुत वीट कलेक्ट कर लेते हैं एंड इससे मैं बना लेता हूँ ढेर सारा फूड। चलो गाइस, अभी फिलहाल यहाँ पर मेरे पास काफी सारे स्लैब्स भी इकट्ठे हो चुके हैं, मेरे हिसाब से भी कोई भी सामान नहीं रह रहा है। मैंने काफी सारी वाटर बकेट भी यहाँ पर बना ली है और मेरे को वैसे अभी इसके अंदर बस पानी भरना है और समझ लो अपना काम हो जाएगा, बट पानी मैं अभी नहीं भरूंगा, उसका काम एकदम एंड में है तो उसको एंड में ही करेंगे, वरना अगर मैं पानी भर दूंगा ना तो वाटर बकेट अभी 9 वाटर बकेट एक स्पेस ले रही है, वैसे 9 की जरूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ 5 से 6 वाटर बकेट की जरूरत है जो कि मैं डालने वाला हूँ डिस्पेंसर के अंदर। और वो भी काम कैसे करेगी वो आप देखते जाना भाई, बहुत ही अलग तरीके से काम करता है वाला फार्म। मतलब ये जो फार्म है ना गाइस फुली ऑटोमेटिक है, इतने सही तरीके से काम करेगा, इतने बढ़िया तरीके से यहाँ पर क्रीपर स्पॉन होंगे, आप लोग देखते जाना। वैसे गाइस मैं इसे ऐसा नहीं बना रहा हूँ कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रीपर स्पॉन हो, इसके अंदर सारे मॉब्स स्पॉन होंगे धड़ाईधड़, तो इसीलिए गाइस मैं यहाँ पर ट्रैप डोर जिसके लिए मैंने वुड इकट्ठी करी थी वो मैं यहाँ पर नहीं यूज करूंगा, वरना मैं ट्रैप डोर भी लेकर आता। फिलहाल आगे काम हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम जो फैंस मैंने बीच में भी लगा दिया था मैंने उसे चेंज करा है भाई भाई भाई, तो ये लगाई मैंने स्काफ फोल्डिंग 1 2 3 तीन स्काफ फोल्डिंग लगाने के बाद गाइस मेरे को इसके ऊपर एक ब्लॉक प्लेस करना है एंड गाइस यहाँ पर अभी मेरे को बनाना है टोटल 9x2 का एक प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर 1 एक बीच में लग गया 1 2 3 4 5, अब सेम टू सेम मेरे को 4 इस साइड लगाने, तो 1 मतलब कि 1 तो ये हो गया, अब 4 और लगेंगे 1 2 3 4। अब इसी की गाइस मेरे को 2 लेयर यहाँ पर और देनी है। वैसे गाइस ये मैं बनाने क्या वाला हूँ मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पर ना थोड़ी थोड़ी देर बाद हम लोग ऐसा सेटअप करेंगे कि वाटर बकेट अपने आप काम करेगी, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा जब मैं करूँगा तो ही समझाता हूँ। तो सबसे पहले जब सेंटर ब्लॉक है ना यहाँ पर हम लोग एक स्टोन मार देते हैं आराम से, तो बेसिकली ये काम हम डिले देने के लिए करने वाले हैं, तो डिले देने के लिए ये रेडस्टोन रिपीटर का यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पर रेडस्टोन डस्ट रखते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं एक टॉर्च, टॉर्च से पावर जो है ऊपर तक जाएगी क्योंकि फार्म पूरा ऊपर तक बनने वाला है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लगाना है रेडस्टोन रिपीटर, तो 1 2 3, उसके बाद यहाँ पर लगेगी डस्ट, उसके बाद लगेगा 4 5 6 7 8 9 10 11, ओ सॉरी ये गलत लग गया, इसको हटा के यहाँ पर लगेगी डस्ट, फिर आएगा 11 12 13, ठीक है लेट्स गो, ये एकदम ओके है। तो अभी ना गाइस हमें इसे पूरा बढ़ा देना है ताकि यहाँ पर ये एकदम मस्त तरीके से डिले दे पाए, मतलब जब हम रेडस्टोन में पावर देंगे ना तो ये थोड़ा डिले काम करेगी, एकदम उसी टाइम पर पावर नहीं जाएगी। ओके गाइस, तो अभी फिलहाल यहाँ पर सभी रिपीटर्स में मैंने डिले डाल दिया है और अब इस रेडस्टोन टॉर्च के अगल बगल गाइस मुझे यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स प्लेस करने हैं। वैसे ये काम बात का है, पहले यहाँ पर ना मैंने थोड़ी सी स्काफ फोल्डिंग लगाई है ऊपर जाने के लिए, हम लोग ऊपर चलते हैं एंड अभी ना गाइस इसके ऊपर मुझे प्लेस करना है एक डिस्पेंसर कुछ इस टाइप से। एक मिनट, इसका जो फेस है ना वो बस नीचे रहना चाहिए और अभी मुझे इसे चारों साइड से पूरा कवर करना है। 1 2 3, एकदम मस्त कवर हो गया, लेट्स गो। अब मेरे को जाना है पहले ऊपर एंड यहाँ पर लगाने के स्काफ फोल्डिंग, एक सेकंड ऐसे नहीं लगने वाली है, हाँ तो कंट्रोल दबाकर स्काफ फोल्डिंग यहाँ पर लग चुकी है। अब इस स्काफ फोल्डिंग के ऊपर मेरे को लगाना है ऑब्जर्वर, बट उससे पहले गाइस यहाँ की जो लेयर है ना इसको मेरे को पूरा कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर ये वाला जो है मैं इसको तोड़ता हूँ, सारी टूट जाएगी एक ही बार में, सही काम आती है भाई स्काफ फोल्डिंग। हाँ तो गाइस यहाँ पर टोटल 9x9 का एक प्लेटफॉर्म बनने वाला है, वैसे वो स्क्वायर नहीं होगा, 9 उसमें ब्लॉक्स यूज होने वाला है, तो 1 2 एंड 3, एक सेकेंड साइड से आना पड़ेगा, 4 5 6 7 8 9 एंड सेम मेरे को चारों साइड पे करना है एंड इसको ना जिगजैग करके मेरे को जोड़ना है जैसे मैंने नीचे वाला करा है, तो मस्त हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ तो गाइस इतना करने के बाद इसकी जो लुक है वो प्लस करके आ जाएगी, ये देखो आप लोग चारों तरफ एंड ये टोटल 17 ब्लॉक्स वाइड होना चाहिए, इसका मतलब ये सही है, वैसे मेरा बिल्कुल सही बना है। एंड इसके बाद गाइस अभी हमें यहाँ पर करना है सबसे खतरनाक काम, खतरनाक नहीं है ये थोड़ा सा ना, अभी हमें जिगजैग करते हुए इसको वहाँ तक ले जाना है, तो नहीं ये मैं थोड़ा सा गलत बना रहा हूँ, ये वाला ब्लॉक टूटेगा, हाँ अभी एकदम मस्त जिगजैग वाली लुक आ रही है, तो एक यहाँ लगना है एक यहाँ लगना है। अब ये सेम उसी पोजीशन पे जाकर सामने वाली साइड से जुड़ जाएगा और उसके बीच के जितने भी ब्लॉक्स हैं ना वो सारे हमें फिल करने हैं, ये देखो ये जितने भी बीच में ब्लॉक हैं ये सारे मेरे को फिल करने हैं, बट पहले मैं चारों साइड ऐसा बना लेता हूँ, पहले फिल ही कर देते हैं, एक साइड तो कंप्लीट हो एटलीस्ट। तो ओके गाइस लेट्स गो, फाइनली यहाँ पर एक लेयर कंप्लीट हो चुकी है। अब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कितनी लेयर बनाते हैं, हम लोग जितनी लेयर बनाएंगे मॉब्स उतने ज़्यादा स्पॉन होंगे, तो फिलहाल के लिए मैं 4 से 5 लेयर बनाने वाला हूँ, जब तक मेरे पास ब्लॉक्स चलेंगे उतनी मैं लेयर बनाऊंगा, बट ऑब्जर्वर्स मैं थोड़े ज़्यादा लेकर आया हूँ, तो मुझे ऑब्जर्वर्स को भी सेम इसी तरीके से यहाँ पर प्लेस करना है कुछ इस टाइप से एंड उसके ऊपर मुझे दोबारा से डिस्पेंसर रखना जैसे कि मैंने पहले रखा था, बट कंट्रोल दबा के लेट्स गो। वैसे नहीं, ऑब्जर्वर पर तो काम करता ही नहीं, तो हम लोग नॉर्मली भी रख सकते हैं एंड दोबारा से गाइस जैसे मैंने पहले लेयर बनाई थी सेम टू सेम इसी साइज की एक और लेयर बनानी है, तो जैसा कि मैंने कहा जितनी अगर हम चाहें उतनी लेयर बना सकते हैं, बट हाँ मिनिमम 4 तो हो तभी फार्म बढ़िया था, जॉइंट फार्म है भाई तो कम से कम 4 लेयर होनी चाहिए। तो गाइस अभी ना फिलहाल मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद नीचे कोई क्रीपर मर रहा है, और गाइस ये देखो मैं ऊपर की तरफ में अपना फुल मस्ती में लगा पड़ा था उसे बनाने में और यहाँ पर नीचे जो है क्रीपर मैग्मा ब्लॉक पे आके मर रहे हैं,
और बस दिक्कत की बात ये और भैंस के पीछे से दो दो क्रीपर और आ रहे हैं, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब ये लोग तो अपना बह कर जाने वाले हैं सीधा इसके अंदर, तो भाई बहुत मस्त काम करने वाला है फार्म, क्योंकि ऊपर से भी मॉब्स स्पॉन होंगे। और सबसे बेस्ट चीज़ ये, वैसे अगर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ऊपर की लेयर वेयर छोड़ देता हूँ, भाई ये फार्म तो इतने में ही बहुत सही काम कर रहा है। मतलब अगल बगल के मतलब जो मॉब्स हैं वो खुद ही आगे इसके अंदर कूद रहे हैं भाई, मतलब अट्रैक्ट कैसे हो रहे हैं वो इस जगह पर अपने आप ही। वैसे मैं खड़ा हूँ इसीलिए अट्रैक्ट हो रहा है, बट फिर भी मैं जब ऊपर था ना तो भी काफ़ी सारे मॉब्स की आवाज़ आ रही है, वो इसके अंदर आके कूद रहे हैं और मरे जा रहे हैं। तो ओके गाइस, फाइनली यहाँ पर मैंने पूरी की पूरी 6 लेयर्स इस फार्म की कंप्लीट कर दी है। मैं चाहता तो 7th लेयर भी बना सकता था, क्योंकि अभी मेरे पास चलकर बॉक्स में काफ़ी सारे स्टोन ब्रिक्स और पड़े हुए हैं। ये देखो, मतलब मैं और लेकर आ गया था अपने पास, तो भाई भंडार आपको पता ही है। तो भी पहले तो मैं गाइस ऊपर चलता हूँ, और ऊपर जाने से पहले मतलब कि ऊपर जाने के बाद ये वाले जो ब्लॉक्स हैं, वैसे एक सेकंड, मैं अपना शल्कर बॉक्स नहीं लेकर, भाई शल्कर बॉक्स कौन लेकर आ जाएगा। और साथ के साथ गाइस अभी मुझे ना इन सभी के अंदर इस वाटर बकेट को भी रखते जाना है। सेम ऐसे मैं नीचे वाले फ्लोर पर भी कर आता हूँ, इसको तोड़ देते हैं। वैसे वो लगा भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके अंदर वाटर बकेट होना चाहिए। और ये पानी कहाँ से आया? हेलो, ये ऊपर वाली वाटर बकेट काम करेगी क्या? एक मिनट, उसके अंदर पावर कहाँ से आई मेरे को ये नहीं समझ। अच्छा, नीचे वाले से पावर इसमें चली गई। रुक जाओ यार, अभी मेरे को ना इसे एक बारी पावर दे के बंद करना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ, इस वाली वाटर बकेट को हटा ही देता हूँ। रुको एक मिनट, ये मैंने लगाया ब्लॉक, इसको भी बंद ही कर देते हैं। वो नीचे वाले की वजह से ना इसमें पावर आ गई, इसलिए इसकी वाटर बकेट ऐसे काम कर गई ऑटोमेटिकली। वैसे कुछ ऐसा ही हम लोग बनाने वाले हैं, बस पहले एक बारी ना नीचे के जितने भी हैं उन सबको ठीक करके आ जाओ, इसके अंदर डाल दी थी ना। हाँ ठीक है, और बारिश भी शुरू हो गई, मेरे को लग ही रहा था। और फिर से ये काम कर जाएगी, मुझे इसको तोड़ना नहीं चाहिए, मतलब कि वो डालने के बाद तोड़ना चाहिए। तो गाइस बेसिकली यहाँ पर जितने भी डिस्पेंसर है ना, सभी के अंदर हमने वाटर बकेट डाल देनी है। तो एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ तो इसके अंदर नहीं थी, इसके अंदर मैं वापस से डाल देता हूँ। और जो नीचे वाला फ्लोर है उसके अंदर भी शायद से मैंने वाटर बकेट डाल दिया, तो हाँ सब कुछ ओके है। और अगर नहीं भी होगा तो एक मिनट हमें और लगेगा वापस आने में। तो फटाफट से गाइस अभी हम लोग चलते हैं सीधा टॉप फ्लोर पर अपना आगे का काम करने के लिए। अब बस हमें यहाँ की रूफ बनानी है, ताकि जो सबसे टॉप फ्लोर है ना वहाँ पर मॉब्स स्पॉन ना हो। तो बाकी वाला ब्लॉक मैं तोड़कर ऊपर आ चुका हूँ, पानी कलेक्ट कर लेते हैं। तो मॉब्स ना स्पॉन होने के लिए गाइस हमें यहाँ पर लगाने हैं स्लैब्स, क्योंकि इस स्लैब से एक हाइट बढ़ जाती है तो मॉब्स स्पॉन होना बंद हो जाते हैं। तो ये वाला है अपना सेंटर ब्लॉक, तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड कुछ इसी तरीके से हमें टोटल यहाँ पर लगाने हैं 79, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ओके गाइस, बस यहाँ पर लास्ट साइड रह गई है, इसको भी फटाफट से हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, लेट्स गो। सब कुछ हो चुका है, अब बस ये जो बीच वाला एरिया है ना, यहाँ पर भी हमें इसे पूरा फिल करके स्लैब लगाना है, और पूरा इसे मतलब उसी तरीके से फिल करना है ये आगे तक जाएगा। जैसा बेस ये वाला बना था ना 17 का, वैसे ये वाला भी बनने वाला है एकदम मस्त। तो इसे एकदम आगे से ही करते हुए आते हैं। वैसे गाइस ये जो फार्म है ना, मुझे देखने में इतना ज़्यादा बड़ा लग रहा था, मतलब क्या आप लोग एक बार ध्यान से देखो इसके अंदर कितने सारे स्टोन ब्रिक्स लगे हुए हैं, देख के ही डर लग रहा है। तो मुझे लग रहा था कि इसको मैं बनाते बनाते थक जाऊंगा एकदम ही, बट ऐसा नहीं हुआ यार, ये तो मतलब एक घंटे के अंदर ही बन गया। या तो मैंने इसे बहुत फास्ट बना दिया है, या फिर इतना ज़्यादा हार्ड ही नहीं था, पता नहीं यार। आप लोग कमेंट में जाकर जरूर बताना अगर आपने भी पहले कभी वाला फार्म बनाया है। फिलहाल गाइस अभी मेरा ये वाला शल्कर बॉक्स तो खाली हो चुका है, मेरे दूसरे वाले शल्कर बॉक्स में काफ़ी सारे स्टोन ब्रिक्स रखे हुए हैं, इसको मैं कलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पर जितना भी ऑक लॉग है इसको मैं यहाँ पर रख के प्लैंक बनाता हूँ, प्लैंक से बनाते हैं क्राफ्टिंग टेबल, एंड क्राफ्टिंग टेबल से जितना भी है इनको मैं स्टोन ब्रिक्स अभी बना लेता हूँ। लेट्स गो, इन तीनों को यहाँ रखा और ये बन गए ढेर सारे स्टोन ब्रिक्स। जल्दी से एक, तो यार मेरे पास वुड है ही नहीं भाई, हाथ से तोड़नी पड़ रही है लकड़ियाँ। चलो गाइस लेट्स गो, फाइनली सारा काम कंप्लीट हो चुका है, और भाई कसम से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अब बस इस फार्म को बनाने के लिए मुझे 3-4 चीज़ें और करनी है, वैसे ना भी करूं मतलब नहीं करनी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फटाफट गाइस अभी हम लोग यहाँ से नीचे जंप मारते हैं, एंड अभी मुझे चलना है सीधा अंदर। यहाँ पर आप लोग, ओ यहाँ से क्यों जा रहा हूँ मैं, एक सेकंड, मेरे को मरना नहीं है, मेरे को जाना है दूसरी वाली साइड से। मैग्मा ब्लॉक के ऊपर खड़े होने जा रहा था मैंने यहीं कहीं से तो मैं बाहर निकला था ना यार। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं कुछ ज़्यादा ही अंदर आ चुका हूँ, बट अभी तक मैं उस एरिया में नहीं पहुँचा जहाँ पर मैंने अपनी माइनकार्ट रखी थी। ओह एक सेकंड, देखो मॉब्स, मुझे लग ही रहा था अंदर मॉब्स होंगे भाई, मॉब क्रीपर है। एक सेकंड रुक जाओ, बहुत ज़्यादा गलत जगह पर है, अगर ये फूटा ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा। लेट्स गो, इसको मैंने मार दिया भाई साहब। बैट स्केलेटन, क्या क्या स्पॉन हो रहा है अंदर। चलो कोई नहीं, अभी के लिए स्पॉन हो जाओ, वैसे भी मेरे को यहाँ पर दोबारा कभी आना नहीं है। तो अपनी बस ये रही माइनकार्ट विद होपर, एंड ये रही फिशिंग रॉड, तो इसको गाइस मुझे रखना है यहाँ पर, एंड इस फिशिंग रॉड से बस मुझे इसे हल्का सा ना खींचना है। अरे ये जा क्यों नहीं रही, खींच इसे। अरे
खिंच कैसे नहीं रहा है? ओके चल गई चल गई चल गई। तो ओके गाइस अभी कितनी ज्यादा अटक अटक के चल रही है ऐसा लग रहा है। अभी एक बार मैं ट्राई करता हूँ कि काम कर रही है या फिर नहीं कर रही। नहीं वैसे यहाँ पर मुझे बार बार ही आना तो पड़ेगा भाई, गन पाउडर कलेक्ट करने में कहाँ से आऊंगा। हाँ तो मेरे पास दोनों टॉर्चेस थी और मैंने दोनों साइड पर लगा दिया है। अब बस एक बार ना राउंड मार कर आते हैं और चेक करते हैं कि अपना फार्म जो है वो काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। भाई थोड़ा ना एक बढ़िया सा रास्ता बना लेंगे यहाँ पर आने का, वरना इधर मॉब्स स्पॉन होने वाले बहुत गलत। लेट्स गो। भी फिलहाल मैं यहाँ से बाहर आ चुका हूँ, जल्दी से हम लोग अपने फार्म के अंदर चलते। ओ भैंस की, मैं बोल नहीं चाह रहा था कि इसके अंदर मॉब्स स्पॉन हुए या फिर नहीं, और आप लोग लाइव एग्जांपल देख सकते हो, एक नहीं दो नहीं तीन तीन क्रीपर स्पॉन हो चुके हैं। और एक सेकंड, क्रीपर छोड़ो स्केलेटन भी है ऊपर वाले फ्लोर पर, और कोने एक बारी दूर चलकर देखते हो। भाई ये फार्म बहुत एपिक वर्क करने वाला है। ये स्पाइडर भी इधर स्पॉन हो रही है यार, बट कोई नहीं, हमें स्ट्रिंग वगैरह का मैं कुछ ऐसा नीचे में सिस्टम ना सेटअप करना पड़ेगा। कुछ ऐसा सेटअप करेंगे कि जो भी फालतू का सामान है ना वो वहां से गिर जाए। बाकी आप लोग सोच रहे हो कि यार अगर क्रीपर नीचे ना कूदना चाहे तो क्या होगा, उसका सेटअप बस हो रहा है। मैं यहाँ पर एक ऐसी चीज, अभी इसको जैसे मैं स्टार्ट करूंगा ना इस मशीन को, ये ऑटोमेटिकली पानी छोड़ेगी और जितने मॉब्स हैं वो ना चाहते हुए भी नीचे आके गिरने वाले हैं बहुत गंदी तरह। फिलहाल अभी कुछ कुछ चीज़ें मेरे को ठीक करनी है इस फार्म में। पहले तो इसको कूटो निकल यहाँ से, वरना ये पीछे से आके मारेगी। वो भैंस की, ज़ोंबियों में तो दिमाग है भाई, कहाँ से आके कूद रहे हैं। तो भी फटाफट से गाइस ये वाली जो रेडस्टोन टॉर्च है ना इसको यहाँ पर ले जाकर बस पावर दे देते हैं और अपना फार्म जो है वो काम करने लग जाएगा। लेट्स गो, इसको वापस कलेक्ट कर लेता हूँ। बस इसके अंदर पावर जा चुकी है, एक बार चेक कर लेता हूँ। ये पावर आई, घूम के वापस गई, बस सब कुछ ओके है। अब ये वाले जो ब्लॉक्स हैं इसको तोड़ के मुझे यहाँ से बस निकलना है, अपना काम होगा। भाई ये फार्म बहुत गलत काम करेगा, बहुत गलत। तो एक बार ये देखो गाइस, अभी यहाँ पर जो जितने भी ऑब्जर्वर है ना उससे ऑटोमेटिकली पानी निकलने लग गया है। फाइनली गाइस अल्ट्रा जाइंट क्रीपर फार्म अपना काम करने लग गया है। वैसे मैं इसको क्रीपर फार्म नहीं बोलूंगा, अगर मैं इसे क्रीपर फार्म बनाना चाहूँ ना तो यहाँ पर जितने भी फ्लोर्स हैं ना इसके अपर साइड पर गाइस मुझे ट्रैप डोर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता होगा क्रीपर क्या है, डेढ़ फुट होती है, मतलब डेढ़ ब्लॉक की उसकी हाइट होती है। तो अगर हम लोग वहाँ पर ट्रैप डोर लगा देंगे तो वहाँ पर वो स्पॉन होना बंद हो जाएंगे, बाकी मॉब्स सिर्फ क्रीपर स्पॉन होगा और जहाँ तक है स्पाइडर स्पॉन होगी। वैसे नहीं होनी चाहिए स्पाइडर भी ट्रैप डोर के नीचे। ओके भाई बैंड बजी पड़ी है इन मॉब्स की। तो ओके गाइस अब बस मुझे क्या करना है कि यहाँ पर जो मैंने इतनी सारी स्काफ फोल्डिंग लगा रखी है, ये मैंने पहले लगाई थी इस वाले फार्म को चेक करने के लिए। पता नहीं, मैं बहुत कोशिश करी इसको चलाने की, ये चलता है बट इसके अंदर कॉन्टिन्यूसली क्रीपर स्पॉन नहीं होते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैंने सब कुछ एकदम अच्छे से चेक कर लिया है, बाकी अब जितनी भी लेयर्स है सब में वाटर एकदम सही तरीके से आ रहा है और सभी फ्लोर्स पे मॉब भी कॉन्टिन्यूसली स्पॉन होए जा रहे हैं। अभी फिलहाल मैं उसके बहुत ज्यादा पास था तो वहां पर स्पॉन होना बंद हो जाते हैं, बट जैसे मैं उससे दूर जाता हूं, मतलब कि दूर नहीं जाता उसके ऊपर जाता हूं या फिर उसके अगल बगल नीचे आ जाता हूं, तो भाई वहाँ पर मॉब्स स्पॉन होते हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ जाता हूँ ताकि क्रीपर से ढेर सारा वहाँ पर गन पाउडर इकट्ठा हो जाए। मुझे भाई इस टाइम पर कम से कम 100 TNT बनाने हैं, तो हो जाना चाहिए भाई बहुत सारा गन पाउडर इकट्ठा। तो यहाँ पर पहले एक लगाता हूँ स्काफ फोल्डिंग, स्काफ फोल्डिंग के ऊपर लगा देते हैं ये वाला ब्लॉक, एंड ब्लॉक के ऊपर चढ़ के बगल में ब्लॉक, उसके बगल में ब्लॉक, उसके बगल में ब्लॉक, उसके बगल में ब्लॉक, एंड स्काफ फोल्डिंग। ओके गाइस इतनी ऊंचाई पर मैंने अपने लिए एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म बना लिया, छत भी बना लिया ताकि फैंटम ना परेशान करे। ओके गाइस अभी ना फिलहाल इस AFK स्पॉट पर बैठे बैठे मुझे काफी ज्यादा टाइम हो गया। लेट्स गो गाइस अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं और ये नेक्स्ट डे की नाइट हो चुकी है, क्योंकि लास्ट नाइट मैं अपने कासल में वापस गया था दिन करने के लिए और मैं जितना भी फालतू का सामान था वो सारा वहीं पर रखाया था। और इस टाइम पर गाइस मैं अपने साथ तीन तीन शवल लेकर आया हूँ, क्योंकि TNT बनाने के लिए सैंड की भी जरूरत पड़ती है। फिलहाल मैंने लाइटर पहना हुआ था इसलिए मैंने डायरेक्ट ऊपर से जंप मार दिया है। चलकर देखते हैं कि आखिर अपने फार्म में कितना गन पाउडर इकट्ठा हुआ है। वैसे यहां पर अभी भी कॉन्टिन्यूसली क्रीपर मरने के लिए लगे हुए हैं, वो देखो सामने की तरफ में, बट बैड लक मैं सीधा इसी के अंदर आके गिर गया हूं। वो तो सही है कि भाई बाहर निकल आया मैं, वरना भी गलती से नहीं जाता। ओ भाई ये क्रीपर फट कैसे गया वहां पे? अच्छा अगर कोई स्केलेटन गलती से क्रीपर के ऊपर अटैक कर देता है तो क्रीपर ब्लास्ट हो जाता है। वैसे अच्छी बात है कि कोई भी चीज़ टूटी नहीं, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। वैसे हाँ वहाँ पर वाटर है इसीलिए कुछ भी नहीं टूटा भाई, एक चीज़ नहीं निकली भाई, बहुत डेंजरस फार्म है। लेट्स गो गाइस अभी चलकर देखते हैं कितना गन पाउडर और वैसे मेरे हिसाब से बोन इकट्ठा हुआ होगा, जिससे कि हम लोग बोन मील बना सकते हैं। क्योंकि स्केलेटन मरता तो बोन मिलता और एरोज मिलती हैं। वैसे एरोज की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़े टाइम में मैं अपनी ये जो मतलब बो है ना इसके अंदर इन्फानाइट लगाने वाला हूँ, तो मेरे को एक ही तीर में काम हो जाएगा। भाई हटो ना, दिमाग खराब कर रखा है भाई साहब, मतलब कि एंट्रेंस ही नहीं ढूंढने दे रहे, मैं कहाँ से नीचे गया था। चलो इसको छोड़ो, मैं काम करता हूँ ना यहाँ पर नया रास्ता बना लेता हूँ, इसके एकदम बगल में बनाऊंगा ना तो कभी भूलूंगा ही नहीं। और दिए देखो बगल में ही था रास्ता और ये पीछे वाटर बकेट गिरी हुई है ना, इस वजह से हमें पुराना वाला रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिलहाल यहाँ पर माइनकार्ट भी धोकर एकदम मस्त रन करे जा रही है, चेक करते हैं। ओ भाई साहब इसके अंदर तो ढेर सारा गन पाउडर इकट्ठा हो चुका है, लेट्स गो सारा का सारा गाइस यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। और अभी भी ऊपर मेरे को स्पाइडर के मरने की आवाज़ आ रही है भाई, बहुत गलत। ये जो फार्म है ना गाइस काफी ज्यादा एपिक है। यहाँ से मैं नीचे आऊँ वापस से गाइस ऊपर चलते हैं, अपना सारा काम हो चुका है। अब बस गाइस मुझे ना दूसरे वाले फार्म से भी गन पाउडर इकट्ठा करना है। वैसे ढेर सारा गन पाउडर है इसमें, बहुत सारे। ओ नहीं 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 नहीं
ब्लास्ट में तो यू इधर आ जा। हाँ अभी भी नहीं ब्लास्ट होना भाई, बेमतलब में ब्लास्ट नहीं होना यहाँ पर। हाँ तो गाइस अभी ना फटाफट से मैं इस दूसरे वाले फार्म में चलता हूँ, मुझे यहाँ पर जितना गन पाउडर है ना वो सारा का सारा कलेक्ट करना है इसके नीचे से। यहाँ पर भी फटाफट से भाग कर मैं आ चुका हूँ। और गाइस इधर ना एक डॉग ऑटोमेटिकली स्पॉन हो रखा है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। बाकी क्रीपर भी तो नीचे आ सकता है भाई, बहुत गलत सीन हो जाएगा। रास्ता बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्रीपर ताकि नीचे ना आ पाए। रास्ता यहाँ से भी ठीक है, तो अभी इसके अंदर भी ढेर सारा गन पाउडर है, सारा कलेक्ट करते हैं। गाइस मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ऊपर क्रीपर है और जैसे यहाँ से मैं बाहर निकलूंगा ना वो मेरे से गले मिल लेगा, मीन्स ब्लास्ट हो जाएगा और सब कुछ टूट फूट जाएगा। वैसे चेक करता हूँ, ओ नहीं नहीं क्रीपर है भाई, मेरा वहम नहीं था एक्चुअली में क्रीपर है, वो ब्लास्ट होने वाला है। सब ना स्पीड दिया भाई उसने, ये स्पाइडर ने धक्का दिया ना, वरना मैं तो यहाँ से निकल चुका था। चलो कोई नहीं, अपनी कोई चीज़ काम की टूटी नहीं। अभी गाइस फटाफट से चलते हैं थोड़ा बहुत सैंड इकट्ठा करने के लिए, उसके बाद हम लोग TNT बनाकर जाने वाले हैं सीधा नेदर में और वहाँ पर से सीधा एंशियंट डिब्रीज ढूंढ कर लाएंगे। वैसे ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, समझ लो मिल गया, एक बार TNT बन गया ना अपना सारा काम हो गया। फिलहाल सैंड के लिए यार उनको बहुत दूर जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे कासल के आसपास ना मतलब सैंड है तो बहुत सारी पर एकदम पास पास नहीं है। ओके गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर सैंड इकट्ठा करते करते अगला दिन हो चुका है और मैंने काफ़ी सारी सैंड इकट्ठी कर अपने इस वाले शल्कर बॉक्स में डाल दिया है। और मैं भी अपने कासल से ना थोड़ा बहुत दूर भी आ गया हूँ, बट कोई नहीं ज़्यादा दूर नहीं आया, हल्का सा इसी तरफ में आया। और मेरी जो दोनों शवल थी आयरन की वो भी टूट चुकी है और ये तीसरी वाली लास्ट बची थी ये भी टूट गई है, वैसे तीनों आधी आधी HP की थी। तो ढेर सारा यहाँ पर अभी अपने पास सैंड हो चुका है। फटाफट से ना गाइस अभी मैं काम करता हूँ, मेरे को वैसे एक क्राफ्टिंग टेबल बनाना पड़ेगा बस, तो क्राफ्टिंग टेबल का वुड चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। मतलब अब तो इतनी सारी वुड मैं ले आया हूँ तो मुझे लगता नहीं है मुझे भी जल्दी दोबारा वुड लेने जाने की जरूरत पड़ेगी, बट कोई नहीं अभी मेरे को बस एक यहाँ पर एक ऑक चाहिए होगा, तो फटाफट से एक ऑक कलेक्ट करते हैं, इससे अपना क्राफ्टिंग टेबल बन जाएगा। लेट्स गो। अब फटाफट से गाइस इस क्राफ्टिंग टेबल के अंदर हम लोग गन पाउडर और सैंड मिलाकर ढेर सारे TNT बना लेते हैं और जितने ज्यादा TNT होंगे उतने ज्यादा हमें एंशियंट डेब्रीज मिलने वाले हैं। मेरे को नेदर में जाकर कुछ करना ही नहीं है, बस 14 हाइट पे जाना है, मींस वाई एक्सिस की 14 हाइट पे जाना है और बस इन TNT को प्लांट करना है। लेट्स गो। अभी यहां पर मैं काम करता हूं, फालतू का सामान इसके अंदर डालते हैं, सारी सैंड वहां से बाहर निकाल लेते हैं। और जहां तक मुझे याद है TNT की रेसिपी कुछ ऐसी सी होती थी, सबसे पहले तो गाइस हमें इसको यहां रखना है, पहले यहां पर हमें क्रॉस बनाना है, उसके बाद हर ब्लॉक पे मेरे को ये रख देने सैंड। और लेट्स गो गाइस यहां पर टोटल 64 TNT बन चुके हैं। अभी फटाफट से ना गाइस अभी हम लोग बाकी भी बनाते हैं। ओके गाइस लेट्स गो, फाइनली यहां पर मैंने टोटल 1826 TNT बना लिए हैं। अभी गाइस फटाफट से हम लोग निकल लेते हैं सीधा नेदर के लिए, अपना काम हो चुका है, अब बस मेरी पिकेक्स की हेल्थ होनी चाहिए क्योंकि नेदर में हमें बहुत सारे नेदर रैक्स तोड़ने पड़ेंगे। नेदर रैक्स हो सकता है या फिर वो मतलब कि वहां पर जो भी ब्लॉक होगा 14 एक्सिस पे उन सबको हमें तोड़ना पड़ेगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना एक अपने पास से पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस भी ले लेता हूँ क्योंकि आपको पता होगा भाई नेदर में ना काफी ज्यादा लावा वावा भी गिरते रहता है और मेरे पास पड़े हुए हैं दो, तो मेरे को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन दोनों बॉटल्स को उठा लेता हूँ और फटाफट से निकलता हूँ। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस कलेक्ट कर लिया है। फिलहाल मेरे पास कुछ एप्पल्स पड़े थे और मेरे पास गोल्ड भी आपको पता ही है भैया ढेर सारा पड़े रहता है, तो इसीलिए गाइस अभी मैं बनाने वाला हूँ कुछ गोल्डन एप्पल। और जहां तक मुझे याद है गोल्डन एप्पल की रेसिपी यही होती है कि चारों तरफ बस हमें गोल्डन इंगेट रखने होते हैं। और लेट्स गो, चार तो बन चुके हैं अभी, अच्छा इनके दो के बगल नहीं था। लेट्स गो, यहां पर टोटल 6 गोल्डन एप्पल बन चुके हैं। अभी गाइस फटाफट से हम लोग निकल लेते हैं सीधा वो भैंस की, सामने की तरफ में दो दो क्रीपर स्पॉन हो रहे हैं। हाँ तो गाइस अभी फटाफट से हम लोग सीधा निकलते हैं नेदर के लिए। यहां पर मुझे मेरे पास रॉकेट तो है ना, क्योंकि मैं उड़ता हुआ अपना जहां पर मतलब स्पॉन है ना नेदर का उससे कहीं दूर पर जाकर मैं सोच रहा हूं बनाने के लिए। और यार ऊपर जाने का ना कोई भी सीधा रास्ता बचा नहीं है, जो सीढ़ी थी ना वो मैंने तोड़े डाली, उस पर भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। ओके गाइस लेट्स गो, फाइनली मैं सीधा नेदर के अंदर आ चुका हूं और अभी फटाफट से यहां से मैं बाहर निकलता हूं। और मुझे ना गाइस यहीं से सीधा नीचे की तरफ में डिग मारना है। ओ नहीं लावा हो सकता है, पहले मैं चेक करता हूं मेरी हाइट क्या है, एक सेकंड। तो इस टाइम पर गाइस मेरी हाइट चल रही है 90, मुझे तो बहुत ज़्यादा नीचे जाना पड़ेगा। और वैसे भी यार आज ना मुझे लावा पूल से उतना डरने की बात है नहीं, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली लावा पूल में भी जाकर गिरूंगा ना तो मैं सीधा पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस पी लूंगा। और देखो भाई जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी वही है, मैं चाह रहा था कि मैं किसी ऐसी जगह पर जाऊँ जहाँ लावा पूल ना हो, और यहाँ पूल छोड़ो यहाँ तो पूरा लावा का पूरा समुद्र है भाई। अभी मुझे किसी दूसरी जगह पर निकलना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ ये इलाइट्रा हटा कर ना थोड़ी देर के लिए अपनी ये जो चेस्ट प्लेट है वो पहन लेता हूँ। और गाइस अभी ना मुझे ये वाला जो मतलब कि बायोम है ना इस बायोम से दूर चलना होगा। ये वाली बायोम में हर जगह इस तरीके से आप देख रहे हो लावा ही लावा फैला होगा, तो हम लोग अपनी माइनिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। मुझे नेदररैक वाली बायोम ढूंढनी है, तो एक काम करता हूँ इलाइट्रा वापस पहनते हैं, इस जगह से थोड़ा सा ना दूर चलते हैं, पहना हुआ है ना इलाइट्रा, पता चला सीधा लावा में ही निकल जाऊँ। ओके हाँ यही बायोम तो चाहिए, बगल में ही आना था वैसे भी मेरे को थोड़ा सा। हाँ तो गाइस ये एकदम परफेक्ट है, बट नहीं यार फिर भी हम लोग लावा से थोड़ा बहुत दूर निकल लेते हैं। और उस घास को दे, अरे भैंस की
लावा में छू गया, मैं पोशन पीना पड़ेगा यार। नहीं 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 अभी पीऊंगा नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले साइड में लैंड करता हूँ, थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं भाई। एकदम मजे मजे में ना लावा में टच हो गया मैं घास्ट के चक्कर में। मैं अपनी तारीफ करने वाला था कि यार मैं घास्ट के अटैक से कितना बढ़िया बचा हूँ, बट उतनी देर में ये बैंड बज गई यार। ओके मेरे को ना गाइस ये जगह इसलिए सही नहीं लग रही क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा बॉटम में जाकर डिग करना है, और यार थोड़ी थोड़ी दूर पे लावा पूल है तो लावा पूल आसपास नहीं होना चाहिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्पेस तक डिग करने वाले हैं। मीन्स मुझे ना थोड़ी ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट प्लेटफॉर्म हो। फिलहाल ये जो पीछे वाली साइड है ना ये मुझे थोड़ी बहुत ठीक लग रही थी। हाँ गाइस ये एरिया ना एकदम मस्त फ्लैट है और यहाँ पर ना आसपास कोई ज़्यादा लावा पूल भी नहीं है। और एक सेकंड ये घास मेरे से भिड़ना चाह रही है, आ जा बेटा तेरा भूत बनाता हूँ मैं, एक मस्त अटैक कर दे। अब ये जो फायर चार्ज है ना वापस इसके ऊपर जाने वाला है, एक बारी बस ढंग से अटैक। अबे लेट्स गो गाइस, तुम्हारे भाई ने घास्ट के बजा दिया और घास्ट ने जाते जाते मेरे भी एक अपना फायर चार्ज बजा डाला। बट कोई नहीं, ये जगह मेरे को एकदम मस्त लग रही है तो फटाफट से गाइस यहाँ से ना हम लोग एकदम स्ट्रेट डिग करना स्टार्ट करते हैं, सीधा वाई एक्सिस की 14 हाइट तक। और एकदम स्ट्रेट डिग नहीं भाई, यहाँ पर लावा हो सकता है बीच में, बट उतना डरने की बात नहीं है क्योंकि मेरे पास इस टाइम पर पोर्शन ऑफ फायर रेजिस्टेंस है। जैसे ही मैं लावा से जलूंगा मैं तुरंत उसे पी लूंगा, मेरे को ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचेगा। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं एकदम स्ट्रेट डिग करता हुआ वाई एक्सिस की 14 हाइट तक पहुंच चुका हूं। अब एक काम करते हैं सीधा सामने की तरफ में गाइस हम लोग यहां से करना स्टार्ट करते हैं। और ये जो गाइस मेरी पिकैक्स है ना भाई सच्ची में बहुत मस्त अटैक करते हैं नेदर रॉक्स पर, एक ही सेकंड में पानी की तरह सारे निकलते जाते हैं। और मैं अपने साथ शवल लेकर नहीं आया हूँ, इसीलिए गाइस मुझे यहाँ पर जो ग्रेवल है इसको भी पिकैक्स से ही तोड़ना पड़ेगा। लेट्स गो, फिलहाल इन सबको हटा दिया है और अब दोबारा से गाइस काम स्पीड में स्टार्ट करते हैं। और वैसे भी मैं ज्यादा आगे तक इस तरीके से डिग नहीं करूंगा, एक काम करते हैं अब हम लोग लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर डिग करना स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। ये जो जगह है ना गाइस, ये जो मैं लेन बना रहा हूँ इन सभी लेन पे अभी मैं एकदम मस्त TNT रखने वाला हूँ लाइन से, तो इसको यहीं तक डिग करते हैं, मेरे हिसाब से इतना बहुत है। ओ ओ वैसे भी आगे लावा आ गया था, चलो ठीक है, यानी आसपास लावा पूल होगा तो हम लोग इसके आगे नहीं जाने वाले। जैसे ही जहां पर लावा पूल आ जाएगा ना उसके आगे नहीं जाएंगे। अब फटाफट से अपने TNT यहां पर मैं निकालता हूं बाहर, पोर्शन ऑफ फायर रेजिस्टेंस भी हाथों में ही रखे रहता हूं क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वैसे गेन के लिए लगाने मुझे, बस मुझे एक एक के गैप पे लगाते जाने हैं ताकि एक में आग लगे तो लाइन से सारे फटते हुए चले जाएं। और वैसे यार यहाँ पर अगर आसपास लावा हुआ ना तो ये ऑटोमेटिकली भी जल सकते हैं, और वैसे भी इनको जलाने के लिए मैं फ्लिंट एंड स्टील तो लेकर ही नहीं आया भाई। कोई दिक्कत की बात नहीं, भी फिलहाल ऐसे ही हम लोग आगे का काम करते हैं। तो यहाँ पर अभी इसको मैंने लगा दिया है, बीच में गाइस अभी जो TNT है वो मैं बाद में लगाऊंगा। अपना गाइस मुझे बस डर इस बात का है कि वो जो TNT है ना कहीं वो ऑटोमेटिकली गलती से जल ना जाए। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं इस तरफ में स्ट्रेट डिग करता हुआ काफी ज्यादा आगे आ चुका हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ पर दूसरी बायोम आ गई है क्योंकि यहाँ पर अब सीधा बेसॉल्ट मिलने लग गया नेदर रैक की जगह, तो इसको यहीं तक माइन करते हैं। तो ओके गाइस अभी फिलहाल यहाँ पर मैं TNT लगाता हुआ इधर तक आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं थोड़े से और TNT प्लेस कर देता हूँ ताकि साइड वालों में भी आग चले जाए। अब सेम टू सेम इस तरीके से हम लोग पीछे तक भी चलते हैं सीधा इसे लगाते हुए। अब बस मुझे इसे जलाने का जुगाड़ ढूंढना है कि मैं इसको जलाऊंगा कैसे, क्योंकि इसको जलाने के लिए मैं कुछ लेकर नहीं आया यार। वैसे TNT भी मेरे पास काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, तो एक काम करता हूँ मैं इस तरफ में भी थोड़ा सा डिग करता हूँ। और दुख की बात ना ये है कि इतनी ज़्यादा डिगिंग कर रहा हूँ मैं 14 एक्सिस पर और अभी तक मुझे एक भी एंशियंट डेब्रीस नहीं मिला है भाई। मतलब कि देख रहे हो नॉर्मली उसे ढूंढना कितना ज़्यादा मुश्किल है, और एक मिनट ये लावा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। चलो यहाँ की तरफ में मैं गाइस आगे नहीं जाने वाला। अरे 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 भाई साहब बहुत तेज़ी में हो रहे हो, तो यहाँ पर आगे पक्का लावा पूल होगा। तो इधर TNT एक काम करते हैं यहीं तक प्लेस करते हैं, इसके आगे नहीं जाएंगे। लेट्स गो, अभी फिलहाल TNT मैंने इस तरफ में लगा दिए हैं। अब गाइस हम लोग चलते हैं इसके सामने वाली साइड पर और मेरे हिसाब से उधर लावा पूल नहीं होगा। ओ एक सेकंड गाइस, ये देखो यहाँ पर मुझे नॉर्मली ही 2 एंशिएंट डेब्रीज मिल चुके हैं। वाओ, अब जब ये जगह ब्लास्ट होगी तो कितने मिलने वाले हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है। बड़ा हम नहीं, वैसे आइडिया है यार, सोचो इतना ज़्यादा एरिया ब्लास्ट होगा 14 एक्सिस का जहाँ पर एक्चुअली में एंशिएंट डेब्रीज होते हैं, और इतना सारा एरिया फूटेगा एक साथ, तो सोचो कितने सारे मिल सकते हैं। और मुझे लगा कि गाइस यहाँ पर 3 और है, बट ये गोल्ड था, इसके आसपास तोड़ोगे थोड़ा सा? वैसे नहीं यार, ये डायमंड वाला सीन नहीं होता, ये इतने चिपक चिपक के नहीं होते। अगर एक है ना तो दूसरा उसके थोड़ा बहुत दूर ही होगा। वैसे गाइस मेरे को ना यहाँ से फ्लिंट मिल चुका है, अगर थोड़ा सा आयरन का जुगाड़ और हो जाता ना, गोल्ड का बनता है क्या यहाँ पर एक ही फ्लिंट एंड स्टील? नहीं, गोल्ड के साथ नहीं बनता, अगर बनता होता तो अभी तक हमारा जलाने का जुगाड़ हो जाता। मुझे नहीं पता गाइस मैं उसको कैसे जलाऊंगा इन TNT को। तो ओके लेट्स गो गाइस, अभी ना फिलहाल ऊपर जो रेड वाली बायोम थी वहां से मैं काफी सारे प्लैंक्स लेकर आ गया हूँ ताकि मैं इसे बटन बना पाऊँ। तो भी यहाँ पर जितने बटन होते हैं ना मैं सारे बना लेता हूँ। वैसे मुझे अच्छे से मालूम है कि अगर इन TNT में एक बार आग लग गई तो ये दोबारा बुझने भी नहीं वाली, और वैसे भी इसीलिए मैं दूसरी साइड से डिग डाउन कर आया हूँ स्पेशली, ताकि जब मैं यहाँ से आग लगाऊँ ना, मतलब जो आगे वाला पॉइंट था ना वहाँ पर क्या होता है, हमको 2 बारी आग लगानी पड़ती। बट इधर क्या, मैंने जो उधर वाले TNT थे उनको आपस में चिपका दिया है, अब बस मुझे इस TNT का वाला बटन दबाना है और ये सारी लाइन से जलते हुए जाएंगे और हम देखते हैं कि आखिर कितना एंशिएंट
डेब्रीज मेरे को मिलता है। फिलहाल ये जो दो एंशियंट डेब्रीज था ये तो मेरे को माइनिंग करते टाइम मिला था, तो इसको मैं नहीं काउंट करने वाला। मैंने एक गोल्डन एप्पल खा लिया है, दूसरा वाला भी खा लेते हैं और पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस भी मैं अभी पी लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी कहीं से भी लावा गिर सकता है। आपको पता ही है भैया नेदर में कितना बुरा हाल होता है, हर जगह लावा ही लावा भरा होता है। तो लेट्स गो गाइस, 3, 2, 1। और ये यहाँ पर एंशियंट डेब्रीज की अल्ट्रा स्पेशल तरीके वाली माइनिंग स्टार्ट हो गई है। एक टीएनटी ये सारे अभी लाइन से फटते हुए चले जाएंगे। ओ भाई भाई भाई, यहाँ तक इफेक्ट पहुंच रहा है मुझे डैमेज का, और ये जो जगह है गाइस पूरी खोखली होती जाएगी। और आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो, 1, 2 यहाँ पर कितने सारे एंशियंट, कितने सारे नहीं भाई बिल्कुल जरा से हैं। एक बार आप लोग देखो, अगर मैं इसी चीज को अपनी पिकेक्स से तोड़ने में लगता तो कितना ज्यादा टाइम लग जाता। और वैसे भी एकदम अलग अलग जगह पर छुपे होते हैं नेदरैक्स के बीच में, तो उसे ढूंढने में हालत खराब हो जाती है। फिलहाल इतने ज्यादा तो मेरे पास में ही थे, 1, 2, 3, 4, 5 एंशियंट डेब्रीज हो गए। और सामने की तरफ गाइस एक काम करते हैं, पहले ना जितना मिला है उनको तोड़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का ढूंढने चलेंगे। भाई मजे आ गए अभी तो, मतलब बारिश होगी एंशियंट डेब्रीज की। तो गाइस देखो भी ना, मेरा पहला काम तो ये है कि जहाँ जहाँ से अभी फिलहाल लावा गिर रहा है ना, उन सब जगह को मैं बंद कर देता हूँ। वैसे ना भी करूँ कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि इस टाइम पर तो मैंने पी रखा ना भाई पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली। बट फिर भी यार इसको हटा देते हैं, क्योंकि अगर अभी मैं इसे तोड़ूंगा ना तो हो सकता है ये लावा में जाकर गिर जाए। और अगर ये लावा में गिर भी गया ना तो मेरे हिसाब से ये जलेगा नहीं, क्योंकि नेदर का जितना भी सामान होता है ना उसको लावा में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैंने ये चीज़ कभी ट्राई नहीं करी है, आज ट्राई करूँ क्या? मेरे पास ये जो नेदरराइट की पिकेक्स है इसको मैं लावा में डाल देता हूँ, देखते हैं जलती है नहीं जलती। ओ भैंस की, ओ नहीं जली। वो देखो गाइस अपनी पिकेक्स अभी भी वहीं पर है, तो चलो कोई नहीं, जब ये यहाँ से चले जाएगी मैं इसे कलेक्ट कर लूंगा। भाई ये होता है कमाल, बस वो डीस्पोन ना हो जाए वरना अपने साथ स्कैम हो जाएगा बहुत गलत वाला। और वैसे भी उसी से तो मेरे को ये तोड़ने हैं सारे के सारे, इनको भी नहीं ले जा पाऊंगा अभी वरना अपने साथ। मैं पता है अभी यहाँ पर खड़े होकर इस लावा के खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ कि कब ये सारा खत्म होगा, उसके बाद मैं इसको तोड़ने वाला हूँ। मुझे मालूम है कि डायरेक्टली सीधा मेरे पास ही कैच होने वाला है, बट फिर भी यार रिस्क लेना ही नहीं है इस बारी, क्योंकि भाई इतनी मुश्किल से माइन करा। वैसे मुश्किल नहीं है, हमें बस फार्म बनाने में टाइम लगा और हमें दोबारा फार्म बनाने की जरूरत नहीं है। हमें जब भी एंशियंट डेब्रीज चाहिए होगा मैं सीधा उस फार्म से गन पाउडर कलेक्ट करूंगा, सैंड कलेक्ट करूंगा और सीधा आ जाऊंगा। वैसे अगर हम लोग सैंड भी बना ले तो समझ लो टीएनटी फार्म ही बन गया अपना तो प्रॉपर। अभी पहले सीधा ऊपर चलते हैं, मतलब कि अभी सीन ऐसा हो चुका है कि मैं जितना चाहूं उतना एंशियंट डेब्रीज ले सकता हूं, बस मुझे टीएनटी लेकर नेदर में आकर एक लाइन से इन सबको बिछाना है और सीधा 1000 बम की लड़ी जला देनी है। ओके गाइस ये देखो यहां पर से पूरा का पूरा लावा पूरा ना बहता हुआ रहा है, झरना बह रही है लावा की। तो फटाफट सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर खत्म करता हूँ, इस तरफ से थोड़ा सा और रह रहा है और अभी ये वाली जो जगह ये पूरी बुझ जाएगी। मेरे पास एक और पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस है, बस मेरे को ये ध्यान रखना है अभी इसके 3 मिनट बचे हैं, जब ये वाला खत्म होगा उसके बाद मैं दूसरा पीने वाला हूँ। एक साइड से देखा जाए तो मुझे टोटल 7 एंशियंट डेब्रीज मिल चुका है। अब चलते हैं हम लोग दूसरी साइड पर। इधर ना देखो यार थोड़ी थोड़ी दूर पर ना एक आध और होंगे, बट वो मेरे को नजर नहीं आ रहे हैं, मतलब नजर नहीं आ रहे क्योंकि वो एक आध ब्लॉक के पीछे छुपे हुए हैं। तो ऐसा हो सकता है अगर मैं दोबारा यहाँ पर आऊँ माइन करने, मैं सेम टू सेम इसी जगह पर आऊंगा दोबारा माइन करने, उसके एकदम बगल में हम लोग एक और टीएनटी का ट्रैक बिछाएंगे और फिर उसे भी ब्लास्ट करके हम लोग वहां से ढेर सारा एंशियंट डेब्रीज ले जाएंगे। फिलहाल ये वाला रस्ते पे तो इतना टीएनटी नहीं था, ना ही सामने वाले रस्ते पर है। वैसे यहाँ पर तो मैंने ज्यादा टीएनटी रखे ही नहीं थे क्योंकि सामने यार वहां से लावा आना शुरू हो गया था, बट ये वाला जो रास्ता है ना भाई यहाँ पर तो बहुत ज्यादा लावा आ रहा है बहता हुआ, इसको बंद करना पड़ेगा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर जितना भी लावा था ऑलमोस्ट मैंने सभी को पूरा मतलब कि बंद कर डाला है जहाँ से वो निकल कर आ रहे थे, और इसको हाइड करना यार बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैं इसे बंद करना बहुत जरूरी है क्योंकि यार ये पूरी की पूरी दीवारों को ना हाइड कर दे रहे हैं। ओ भैंस की वो देखो, अभी मैंने वहाँ का पूरा बंद करा है और सामने मेरे को दो दो एंशियंट डेब्रीज नजर आए हैं। अगर मैं लावा का वो नहीं हटाता ना तो मेरे को नजर भी ना आते। फिलहाल एक तो मेरे को भी यहाँ पर बगल में ही नजर आ गए, तो फटाफट से इसको भी तोड़ के मैं कलेक्ट करता हूँ। और अभी मेरे पास टोटल 8 हो चुके हैं। वैसे यार उस वाली साइड पर ही ज़्यादा मिले थे, इन सब साइड पर तो बहुत कम मिल रहे हैं। अच्छे से देख लेता हूँ भाई एक बारी, कुछ मिस नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो चलो गाइस अभी मैंने यहाँ पर जितनी भी जगह से लावा बह बह कर आ रहा था उन सभी जगह को बंद कर दिया है और दूसरी साइड भी मैंने चेक कर लिया, बस इसके बाद एक साइड और बची है। फिलहाल जहाँ जहाँ मुझे ये सारा एंशियंट डेब्रीज मिला है इन सभी को गाइस अभी कलेक्ट करते हैं। वैसे गाइस अगर देखा जाए तो जो तीसरी वाली साइड है यहाँ पर तो हमें एक भी एंशियंट डेब्रीज नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 7-8 TNT लगाए थे, तो मतलब कि इतने ज़्यादा TNT लगाने के बाद हमें टोटल 10 एंशियंट डेब्रीज मिल चुका है। तो अगली बार मैं और TNT लेकर आऊँगा, एक ही बार में लाइन से लगाते हुए जाएंगे, जितना मिलेगा बढ़िया है। तो ओके गाइस लेट्स गो, अभी मैंने जितना काम करा मेरा उतना पैसा यहाँ पर वसूल हो चुका है, मतलब कि टोटल 10 एंशियंट डेब्रीज मेरे को यहाँ पर मिल चुके हैं। और अगर मैं इसे नॉर्मली ढूंढने आता तो मेरे 3-4 घंटे लग जाते, सिर्फ 2-3 घंटे लग जाते 10 एंशियंट डेब्रीज ढूंढने में, बाकी थोड़ा बहुत लक भी डिपेंड करता है। बट नेक्स्ट टाइम गाइस और कम टाइम लगेगा क्योंकि अपना फार्म बन चुका है, मैं फार्म दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, बस गन पाउडर इकट्ठा करना है उधर लगा के लाइन से लगा के ब्लास्ट मारना है और सिर्फ तोड़ना है। मुश्किल से यानी कि मैं आधे घंटे के अंदर 10 एंशियंट डेब्रीज माइन कर सकता हूँ।
या फिर थोड़े ज्यादा भी, क्योंकि TNT अगली बार मैं ज्यादा लेकर आऊंगा। तो चलो गाइस आज के इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना, और अगर आपको और भी कोई इससे ज्यादा बढ़िया प्रो ट्रिक पता है एंशिएंट मेमोरीज माइन करने के लिए या फिर उसे ढूंढने के लिए, तो कमेंट में जाकर जरूर बताना। और हाँ यार, इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 600,000 लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और जो भी चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फटाफट से यार इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, एंड डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो मेरे से बात करने के लिए। इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में, हालत खराब हो गई। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।